स्पॉटलाइट किया है, पूरा परिवार सीखने के लिए बहुत उत्साहित है। तो सुपर फैंटास्टिक, आप भी इसी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कीजिएगा ताकि आप भी इसी तरीके से सीख सकें, इसी तरीके से हर व्यक्ति को जानकारी रहेगी कुछ न कुछ चीजों की। तो घर में जो बदलाव करने होते हैं वो आसानी से लागू होते हैं यदि हम अकेले स्पॉटलाइट किया है, पूरा परिवार सीखने के लिए बहुत उत्साहित है। यस, वेरी गुड। तो अकेला यदि कोई व्यक्ति सुनता है, सीखता है, तो उतना ज्यादा उसकी बातें घर में अप्लाई होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी वाले लोगों का अलग राय होता है, बाकी वाले लोगों का अलग मानना होता है। परंतु जब घर के सभी लोग एक ही नॉलेज लेके यदि कोई चीज में बदलाव करते हैं तो आसानी से बदलाव हो जाता है। तो मैं ज्यादा टाइम लिए बिना मैं इन्वाइट करूंगा अपने बीच में आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर, जिनसे हमें टाइम मिला है बहुत दिनों के एक गैप से। हमने एक बार पहले उनका ट्रेनिंग लिया था, हमारे सभी कस्टमर को मौका दिया था उनसे सीखने का, तो सबके सबको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। कुछ चीजों को लेकर के, वेलनेस को लेकर के कुछ मिथ होते हैं वो क्लियर हुए। तो जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ वो मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं, जन्म जय पाराशर सर उनका नाम है। 10 साल से ज्यादा का उनको वेलनेस की लाइफ का अनुभव है। उनके माध्यम से बहुत सारे कोच जो हम आपको सिखाते हैं, हम लोग उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, हमारा नॉलेज इंप्रूव करते हैं और हमारे कस्टमर की मदद करते हैं, उनको गाइड करते हैं। हम बहुत सारे लोगों ने अपनी सेहत में बहुत सारे परिवर्तन लिए हैं। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, कंप्लीटली हमारा एक ओपन माइंड से अंडरस्टैंडिंग होगा तो चीजें अप्लाई होना आसान हो जाएगी, क्योंकि हम एक बहुत अच्छे प्रूवन व्यक्ति से भी सुन करके शक में रहें कि ये बदलाव तुरंत करें या नहीं करें, तो फिर वो सुनने का ज्यादा मायना नहीं हुआ, सुनने का ज्यादा अर्थ नहीं हुआ। जब कोई भी व्यक्ति प्रूवन है, बहुत अच्छे रिजल्ट ऑलरेडी दिए हैं और उनकी बात को तुरंत अप्लाई किया जाए तो ये टाइम देने का मायना है और अर्थ है। तो बिना देरी किए अगेन फिर से उनके स्वागत वाली तालियां हो जाए। मैं स्क्रीन के ऊपर इन्वाइट कर रहा हूँ जन्म जय पाराशर सर को। आप उनको ध्यान से सुनिएगा और पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा ताकि बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हो सके। वेलकम ऑन स्क्रीन सर, जन्म जय सर, वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू बाबर सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। I'm very much excited. Are you excited, everybody? Yes, everybody is very excited for welcome you. सभी लोग आपके स्वागत के लिए भी बहुत उत्साहित हैं. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everybody. Hello, everyone. Hello. This is the virtual hello. Right? ऐसे कर सकते हैं सब लोग. Amazing. ओहो, क्या बात है, एंजॉय एवरीबॉडी, एंजॉय एवरीबॉडी। कम ऑन एवरीबॉडी, thank you so much Bhavar sir for inviting me for such a warm welcome and in front of everybody excited people, like minded people ka matlab kya hota hai, like minded matlab yahan sabka soch, sabka mindset ek hai, aur jab sabka mindset ek hota hai, sabka belief system ek hota hai, to wahan pe result तोड़ के बाहर निकलता है, वहां पे ज्वालामुखी फटती है फिर, राइट? क्योंकि हर एक व्यक्ति एक जैसा सोचता है, हर एक व्यक्ति एक जैसा बात करता है। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, माय एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, आई एम सो मच एक्साइटेड एंड ब्लेस्ड बाय गॉड कि आसान नहीं है ये सब चीजें बातें बोलनी। भगवान ने स्पेशल कृपा हम लोगों पर रखी है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहां पे हम बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। यानी कहां ऐसा मौका मिलता है मार्केट में
कि इतने सारे लोगों को सुनने के लिए आए। इमेजिन करो 9:30 संडे का दिन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल नाउ इन अ स्लीपिंग मोड, जो अभी भी सो रहे हैं, बट यू आर अमेजिंग पर्सनैलिटी, यू आर जस्ट इनक्रेडिबल पर्सन, जो अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आए, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ ओनली एंड इट ऑल्सो फॉर योर फैमिली एक्चुअली। आप में से बहुत सारे लोग कोचेज हैं, तो अगर कोचेज और हमारे जितने भी फैमिली मेंबर हैं, जो इस कम्युनिटी के फैमिली मेंबर हैं, जो हर दिन अपनी हेल्थ के बारे में, अच्छे खाने पीने के बारे में आप सीखते हैं, यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा, जो आके गया है या आगे आएगा, वो एक ही बात बोलेगा कि आपको अपने साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। और जितने भी कोचेज हैं आपको इसलिए नहीं सीखना है कि आपकी सेहत अच्छी बनानी है, आपको इसलिए भी सीखना है क्योंकि आपको अपनी फैमिली को भी हेल्दी बनाना है। इमेजिन करो आप लोग सारे मॉर्निंग में उठ के शेक पीते हैं और बाकी लोग चाय पीते हैं आपके घर में, इसका मतलब ये है कि आप भी अभी हेल्दी नहीं है। तो आपको क्या सिखाना है, आपको एजुकेट करना है। मैं एजुकेट हुआ तो मैंने अपनी वाइफ को एजुकेट किया, मैंने अपने बेटे को एजुकेट किया, मैंने अपने रिलेटिव को एजुकेट किया। अगर मैं खुद ही एजुकेट नहीं होता और खुद ही मैं अपने आप को हेल्दी नहीं मानता तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो अगर मैं खुद सेहतमंद बन जाता और मेरी वाइफ मोटी रह जाती या मेरा बेटा अनहेल्दी रह जाता, मेरी माँ ऐसे रह जाती, तो इसका मतलब मैं प्राउडली लोगों को ये जाके नहीं बोल सकता था कि मैं आम ऑन द हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट या मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ। बोलेंगे अपनी वाइफ को देख, अपने बेटे को देख, अपनी माँ को देख, सही कि नहीं, अपने भाई को देख। तो इसलिए आप सब लोगों को आज अपने यहाँ पे आए हैं तो ये जरूर आपको क्लियर करना है कि आपके साथ आपको अपनी परिवार को भी अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। राइट, जस्ट अ मिनट। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा नाम जय है, जय पाराशर, पूरा नाम लिखता हूं मैं, जन्मेजय पाराशर। और बाकी जितने लोगों ने अपना पार्टिसिपेंट में जाके हैंड रेज किया है आप उसको डाउन कर लीजिए, मुझे ऐसा लगेगा कि आप पूछ रहे हैं कुछ बीच में, और पूछने का भी समय दिया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस हम लेने वाले हैं, बहुत सारे लोगों से हम बात करने वाले हैं। और आई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी कि आप अपना कैमरा जरूर ऑन करके रखिए। अगर आप कैमरा ऑन करके रखेंगे तो मेरा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, मैं अपने भाई बंधुओं से बात कर रहा हूँ, अपनी बहनों से बात कर रहा हूँ, अपनी माताओं से बात कर रहा हूँ। तो आप अगर मेहमान भी हैं तो मेहमान कभी पट्टी बांध के घर में नहीं आता है आंखों पे। और अगर आप कैमरे के पीछे हैं, इसका मतलब दो ही कारण है, आप रेडी नहीं है या बिस्तर पे हैं या फिर आप सही से सुनना नहीं चाहते। और जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है ना तो बैकग्राउंड पे मैटर नहीं जाता है। पर ध्यान से सुनिए, आपके पीछे देखिए, जब भी हम किसी भी जगह जाते हैं, शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, तो हमें वहां के कल्चर को तुरंत अडॉप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप वहां की चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे, वहां के वातावरण को नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको मजा नहीं आएगा। तो जब आप सारे लोग यहाँ पे कॉल पे हैं, अगले 90 मिनट्स, मैं नहीं बोलता कि सब कुछ चेंज होगा, अगले 90 मिनट्स में कुछ तो बदलाव आपकी लाइफ में आए। मैं अभी आपके सामने आया हूं, मैंने भगवान से एक ही प्रार्थना बोली है कि मेरे मुंह से दो शब्द ऐसे निकाल देना कि जिससे लोगों की लाइफ में बदलाव आ जाए, मेरा 100% हो। तो मेरा मानना ऐसा है, देखो बहुत सारी महिला ऐसी हैं जो अपने किचन से सुन रही हैं, सब कुछ सुन रही हैं, पर थोड़ी देर के लिए सारे काम बंद कर दो। ये तो रोज के काम है, ये तो कल भी करने पड़ेंगे, आज सुन के कल ऐसा नहीं, कल नहीं करने, कल भी करने पड़ेंगे। पर एक जगह बैठ के कोई हिलो ढिलो मत, एक जगह कैमरे को सेट कर लो, अगर आप लेटे हो तो खड़े हो जाओ, क्योंकि आपके सामने जो बातें होंगी, आपकी लाइफ में कितने सारे लोग ऐसे भी नहीं है जो आपको सुबह उठ के ये भी पूछते होंगे हाउ आर यू, इवन आपके घर के भी। तो इसलिए इस कम्युनिटी में मुझे एक ही चीज अच्छी लगती है, जो आपके कोच हैं वो हर दिन आपको यही पूछेंगे, भाई कैसा चल रहा है, कैसे हैं आप, आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया क्या। कोई नहीं पूछता आज के समय में, चेक योर सेल्फ, चेक योर फैमिली। कितने लोगों ने पूछा होगा भाई आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ये जरूर बोला होगा भाई पोहे खाए कि नहीं खाए, रसगुल्ले खाए कि नहीं खाए, आलू के पराठे खाए कि नहीं खाए। और उन आलू के पराठों को खिला खिला के हम भी आलू के पराठे ही हो गए थे, सही कि नहीं। मैं सुबह 8 आलू के पराठे खाया करता था आज से 10 साल पहले। इमेजिन करो मेरा मुंह पेट सब आलू के पराठे के जैसे हो गया था, क्यों, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था।
तो जब मैं इस कम्युनिटी में आया तो मुझे अच्छा लगा और मैंने उसको अडॉप्ट किया। पर किस कब अडॉप्ट किया? जब मैंने चाहा उसको लेना। अगर आप में से कोई आज की ट्रेनिंग को नहीं लेना चाहेगा ना, तो आप अगले 3 घंटे भी बैठे रहोगे, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, आप कोरा कागज आए कोरा कागज ही चले जाओगे। पर अगर आपने ये सोचा कि यार ये वाला सुबह का सेशन सिर्फ मेरे लिए, साइड वाला गया यूं ही जाने दो उसको, कोई मेरे कैमरे के बराबर में ऑफ है या ऑन है या दुखी हो रहा है जाने दो, ये स्पेशल सेशन मेरे लिए, जो सामने वाला व्यक्ति है कोई भी हो, उसका चेहरा कुछ भी हो, ये सिर्फ मेरे से बात करने वाला है और आज मैं सिर्फ अपनी वजह से और अपने लिए आज इस सेशन में आया हूं, तो आपको वैसा लेना है। आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आज आप अपनी चॉइस की वजह से आए, जबरदस्ती पैर खींच के लाया कोई किसी का, कोई ऐसे छुट्टा पकड़ के लेकर आया बोले आज तुझे इस कैमरे के सामने बैठना है, नहीं, आप सारे लोग अपनी वजह से आए क्योंकि आपको अपनी सेहत में बदलाव लाना है। कितने लोग आप में से चाहते हैं कि आपकी सेहत में और आपकी परिवार की सेहत में बदलाव होना चाहिए? पार्टिसिपेंट में जाके हैंडल्स मत कीजिए क्योंकि फिर उसको नीचे उतारने में टाइम लगेगा। आप ऐसे ही कैमरे पे दिखा सकते हैं अपना हैंडल्स करके, मैं सबको देख पा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे 50 लोग एक साथ दिखते हैं, फिर मैं देख लूंगा सबको एक साथ, 1000 people, could you imagine? मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं था कि मुझे 2 लोग भी सुने, पर आज 1000 लोग ऑनलाइन बेसिस पे सुन रहे हैं। इज द पावर ऑफ ऑनलाइन वर्चुअली जो आज का समय चल रहा है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच विजय सर फॉर इन्वाइटिंग मी, भवर सर फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन सच ए नाइस कॉल, एक्साइटेड पीपल, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ इन सब लोगों के साथ में, क्योंकि ये हमारे कलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, और कलीग नहीं, ये हमारे दोस्त बन चुके हैं, परिवार के मेंबर बन गए हैं, और क्योंकि हम सब लोगों का विश्वास एक जैसा है, हम लोगों का माइंड सेट एक जैसा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कलर मैच, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट हेल्थ, कि कैसे अपनी हेल्थ में 4 चांद लगाया जाए। तो आर यू रेडी एवरीबॉडी, आर यू रेडी? यस, तो अपनी रेडीनेस को दिखाइए, और जितने भी लोग कैमरे के पीछे, आई होप कि आप आ जाएंगे, क्योंकि कैमरे के पीछे मतलब आप कहीं ना कहीं तो हैं, कुछ ना कुछ तो सुबह सुबह चबा रहे हैं आप, सही कि नहीं, इसलिए आप कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो कैमरे के सामने आने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे हो, राइट? तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास आपको बताने के लिए, पर मैं बता तभी पाऊंगा जब आप सब लोग रेडी रहेंगे, राइट? तो चलते हैं, मैं अपना कुछ स्टोरी से, अपने स्क्रीनशॉट से आपको कुछ बताने वाला हूं, और बस आपको मेरा साथ देना है, राइट? और भंवर सर जैसी मेरी स्क्रीन आ जाए तो मुझे आप बता दीजिएगा। यस सर, मेरा नाम मुझे पाराशर है, शॉर्ट में मुझे लोग जय बोलते हैं, ये नाम मेरा मेरी वाइफ ने नॉमिनेट किया था। सर अभी तक स्क्रीन पर नहीं आया है सर। नहीं आया क्या? जी आ जाएगा सर। तो मेरा नाम जन्मेजय पाराशर है पूरा, बट मेरी वाइफ ने मेरा नाम जय नॉमिनेट किया क्योंकि मेरा नाम खुद बहुत लोगों को लेने को नहीं आता था, तो मुझे बड़ी डिफिकल्टी होती थी, कई बार अपना नाम बताना पड़ता था, तो इस वजह से मेरा नाम जय रखा। और मैं फिर एमपी में जब मैं इस कम्युनिटी में आया, इंदौर में आया, तो फिर मैं, मुझे सब लोग जय के नाम से ही जाने, जन्मेजय नाम तो बहुत कम लोगों को मालूम है जो सोशल मीडिया पे पूरा नाम देखते हैं, सिर्फ उन्हीं को मालूम है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अगर मुझे अपनी लाइफ में अच्छा बनना है आज के समय में? ये एक लाइन बहुत अच्छी है, भंवर सर दिख रहा है मेरा स्लाइड? यस सर, परफेक्ट। ओके सर, थैंक यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी गेट, बट वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी गिव। अगर हम लाइफ में, अगर सिर्फ लाइफ को काटना चाहते हैं, हम सिर्फ लाइफ काटते हैं जब चीजें हमें मिलती हैं, अगर हम चीजों को लेने के लिए सिर्फ जी रहे हैं तो हम लाइफ को काट रहे हैं, बट हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम कुछ जीवन जीना सीख रहे हैं। ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट है आज के समय में, अगर आप किसी को कुछ दे सकें तो जरूर देना चाहिए, उनकी गलत आदतों से उनको बाहर निकालने के लिए आपको मदद जरूर करनी चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है, राइट? उसके बाद थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस है, आपको थोड़ा कैमरे पे रहना है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, आपको नहीं करनी है, और जब तक पूरा प्रेजेंटेशन ओवर ना हो जाए आपको बने रहना है, राइट?
थोड़ी सी आवाज आएगी क्योंकि मेरा फ्यूल रेडी हो रहा है। और ये हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर मार्क ह्यूज, उन्होंने बोला है कि वी आर ग्लैड यू आर हियर, हमें खुशी है कि आज आप यहाँ पे आए हो। बहुत सारे लोग बहुत सारे कारणों की वजह से कम्युनिटी में आते हैं, बहुत सारे रीजन उनके कम्युनिटी में आने के होते हैं, पर वी आर ग्लैड यू आर हियर, हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी। दिस इज आर द फाउंडर, जिनका एक मिशन है कि मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, हर एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, उनकी न्यूट्रिशन हैबिट को चेंज करना, उनके घर के खाने में वैसी चीज लेके आना जो उनके परिवार को स्वस्थ बनाती है, उनके परिवार को डिसीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ लेके जाती है। आज इस सेशन का एक ही पर्पज है कि कैसे आप डिसीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ जिए, दवाइयों से दूर रहें और बीमारियों से दूर रहें। ये आज के पूरा सेशन का पर्पज है, क्योंकि जो आदमी उद्देश्य से चलता है ना, उद्देश्य होता जिसका, वो आदमी हमेशा कुछ ना कुछ लंबा करते जाता, राइट? जब मैं आया था पहली बार कम्युनिटी में, आई लुक लाइक दिस, इस तरीके का था मैं, और ये जब मैं मेरा रिश्ता हुआ था भवर जी, जब का फोटो है ये, राइट? और मेरे ससुराल वाले बोलते थे कितना पतला आदमी है भाई, कितना पतला आदमी। उन बेचारों को किसी को कुछ मालूम नहीं मोटा पतला किसको बोलते है ना, उन्हें मालूम ही नहीं है मोटा। हमें कभी कभी क्या लगता है किसी ओबेस पर्सन को देख के, अरे भगवान कैसा दिख रहा है यू, पर उसको मालूम ही नहीं कि मैं मोटा हूं कि मैं पतला हूं। तो उन लोगों को ये वाला व्यक्ति भी बहुत पतला लगता था, तो उनको देखिए उनके हिसाब से मोटा आदमी कितना होगा। चाहिए अगर ये इस व्यक्ति को देख लेते जो राइट हैंड साइड में है, प्लीज आप कोई भी अपना पार्टिसिपेंट में जाके हैंड रेज मत कीजिए, कोई भी मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या है, और अपने कैमरे पे रहिए सब लोग, पार्टिसिपेंट में भी आपने हाथ किया हुआ है और ऊपर से आप कैमरे के पीछे हैं। तो अगर वो इस राइट वाले को देख लेते तो उनको तो चक्कर आ जाते, चक्कर खा खा के गिर जाते। तो इसलिए जब मैं कम्युनिटी में आया तो मेरा आने का रीजन क्या था, मेरा आने का रीजन एक ही था, मेरा वजन बढ़ गया था किन्हीं कारणों की वजह से। मेरा मैं सिप्ला लिमिटेड में काम करता था, तो मेरा नाइट शिफ्ट की जॉब थी, उस नाइट शिफ्ट की वजह से, और वो भी सिक्किम में रहता था, गलत आदतें थी, लीकर पीने की आदत थी, गलत सलत खाने की आदत थी, नॉनवेज खाने की आदत थी, तो उसकी वजह से मेरा डाइजेशन खराब हो गया था, मेरा रहन सहन खराब हो गया था, मेरी स्किन झड़ना, मेरी स्किन खराब, मेरे बाल झड़ना, आंखों में से पानी आना, गाड़ी चलाते हुए कुछ देर चली गई तो उससे नींद आ जाना, सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं 26 कप डेली बेसिस पे गिन के चाय पीता था, जब तक 26 ना हो जाए तो मेरा कोटा पूरा नहीं होता था। और उसकी वजह से क्या हुआ, डेली बेसिस पे पॉटी आना बंद, क्योंकि मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, तो वो डॉक्टर वाले कपड़े पहनता था नीचे तक के, वो है ना, ड्रेस करता था, तो मुझे पॉटी अगर आ भी रही होती है तो भी मैं उसको निकालने के चक्कर में इग्नोर करता था, वो ऐसी इग्नोर हुई कि मैं हफ्ते में एक बार जाने लगा, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई। और जब इसमें कम्युनिटी में आया और मैंने अपने प्रोग्राम को यूज किया, अपने अपने कोच की बातों को सबसे पहले सुना, कम्युनिटी ज्वाइन किया, तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, पहले ही महीने में मेरा डाइजेशन अच्छा होना स्टार्ट हो गया, मेरी स्किन अच्छी होनी स्टार्ट हो गई, मेरे बाल झड़ने बंद हो गए, एनर्जी लेवल बढ़ गया, मूड अच्छा होने लगा, और एनर्जी के साथ बात करने लगा, और उसके साथ कंटिन्यू करके मैंने अपना 15 किलो वजन कम किया, जिसको 9.5 साल से एवरी सिंगल डे मैं मेंटेन कर रहा हूँ, एवरी सिंगल डे आई लॉस्ट मैन 15 kg। उसके बाद मेरी वाइफ ने कंटिन्यू किया, मेरी वाइफ का भी वजन ज्यादा था, बहुत ज्यादा वजन था, और इसने सबसे पहले क्या किया, जब मैंने इसको बोला कि भाई तुम भी लेके देखो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तो मेरी वाइफ का एक ही आंसर आया, पहले तुम कर लो, जो होगा तुम्हें हो जाएगा। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई, अपना कोई भी नहीं, इधर हम ही हैं जो अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। पर इसके बहुत सारे चैलेंज थे, डिलीवरी के बाद इसका वजन बढ़ गया, वजन बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ चैलेंज स्टार्ट हो गए, डाइजेशन की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, घुटनों में। जब आदमी का वजन बढ़ता है तो सबसे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम किस पे आती है, आपके घुटनों पे आती है। एक मिनट, जस्ट सुनिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम
जब धीरे धीरे न्यूट्रिशन अंदर गया, माहौल अच्छा बना, वजन कम हुआ, अच्छा होना स्टार्ट हो गया, इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की थी? पीरियड्स की। पीरियड्स नहीं आते थे टाइम पे और इतने पेनफुल, मुझे ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी को ही है क्या पीरियड्स की, और दुनिया की औरतें नहीं है क्या, इसी को क्यों है ऐसा? पर जब से वो अच्छे फ्यूल पे गई, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कंप्लीट हुई, आज इसके पीरियड टाइम पे हैं, पेनफुल नहीं है और बहुत समय पे आते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा लेडीज की प्रॉब्लम है पूरी इंडिया में, और उसकी वजह से पीसीओडी पीसीओस की प्रॉब्लम हो जाती है, जहां बच्चा कंसीव करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसका इलाज हम फिर बाबाओं के पास ढूंढते हैं जाके। बाबा क्या करेगा उसका इलाज, जबकि प्रॉब्लम अपने अंदर है, फर्टिलिटी कमजोर हो गई, जिसको बोलते हैं, मैं भी बताऊंगा आपको। तो आज सब चीज नॉर्मल है, बेहतर है, अपना 20 किलो वजन कम किया और अपने आइडल वेट को मेंटेन कर लिया। उसके बाद अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूं हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द हेल्थ। आज सारे लोग आप बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप इस कम्युनिटी में आए अपना वजन कम करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं आपका कुछ ही कुछ ना कुछ गोल था, पर आपका वेट लॉस वेट गेन आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। पर अगर आपको हेल्थ का बार मालूम ही नहीं है, आपको हेल्थ की डेफिनेशन मालूम नहीं है और आपकी परिभाषा मालूम नहीं है, जैसे बोलते हैं ना, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि नहाना क्यों है तो नहा के भी क्या करोगे? तो अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि मेरी हेल्थ क्या है तो फिर वेट लॉस करके भी क्या करोगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का वेट लॉस का एक ही गोल होता है कि फलाने की शादी में जाना है, ये फलानी टी शर्ट पहननी है और उसके बाद मेरा बढ़ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरी एक बार शादी हो जाए उसके बाद बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से अपना वेट लॉस नहीं करना है, आपको वेट लॉस करना है, मैं आपको बताने वाला हूं क्यों आपको वेट लॉस करना है, राइट। अब ये देखिए, हम लोग कोई वेट लॉस कोच नहीं है, वी आर नॉट ए वेट लॉस कोच, हमारा वेट लॉस से कोई लेना देना नहीं, हम वी आर ए वेलनेस कोच, वी आर ए वेलबींग कोच, और सिर्फ हम वेट लॉस के, वेट लॉस करना हमारा कोई मेन गोल नहीं है, इवन आपका भी वेट लॉस करना कोई गोल नहीं है। वेट लॉस तो बहुत छोटा सा गोल है, बहुत हल्का सा गोल है, पर उसको मेंटेन करने में जान जाती है। शादी करना बड़ा आसान है, घोड़ी बैठो निकल लो कहीं को भी, बट उसको मेंटेन करने में आदमी के पसीने छूट जाते हैं, बाल भी उतर जाते हैं सिर पे से मेंटेन करते करते, सही कि नहीं? तो आज हम क्या बताने वाले हैं कि हमारी जो वेलनेस है वो, हम एक पेड़ जैसे हैं, एक पेड़ हैं और पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो वैसे ही हम एक पेड़ हैं, एक इंसान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उसके कुछ फूल होते हैं, उसके कुछ फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उस फलों से उस पेड़ की पहचान होती है। कोई भी आदमी आज तक आपसे कहता मिला है कि पेड़ का आम, पेड़ का संतरा, ऐसे कोई कहता मिला है कोई? नहीं, हमेशा व्यक्ति ने बोला है आम का पेड़, संतरे का पेड़, यानी कि एक पेड़ की पहचान किससे होती है? उसके फ्रूट से होती है। तो आपकी पहचान किससे होगी? कि आप मेंटली हेल्दी होने चाहिए, आप एजुकेशनली अच्छे होने चाहिए, आप थोड़े बहुत स्पिरिचुअल होने चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्ति होने चाहिए, मतलब अच्छी बातों में विश्वास करना, यानी कि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे, आप सोशलाइज होने चाहिए, इमोशनल इन्वायरमेंटल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा। जितने भी ज्ञानी लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, एक भी व्यक्ति ने अपने घर बैठ के अपने परिवार के साथ किसी भी चीज की रिसर्च नहीं करी, कोई भी उन्होंने कोई भी रिसर्च नहीं किया। क्यों नहीं किया मालूम है? एक ही वजह से, क्योंकि घर का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, सब भागे अपने घर से और कहीं दूर जाके उन्होंने आविष्कार किया। इसलिए किया क्योंकि उनको माता था, अगर मैं घर में रहूंगा तो कै का की कू के वो बेचारे साइंटिस्ट नहीं बन पाते। तो आज हम किस पे बात करेंगे? फिजिकल होने पे बात करेंगे। तो हमारा काम सिर्फ वेट लॉस कराना नहीं है, इन सारी चीजों को अच्छा बनाना हमारा काम, और आपके जो कोच हैं वो सारी चीजों पे काम करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग फिजिकली एक्टिव बहुत देखे हैं, सिक्स पैक देखे हैं, पर उनकी बुद्धि ठिकाने पे नहीं है, माँ बाप को गाली दे देंगे, वाइफ को गाली दे देंगे, किसी को भी मार देंगे, इसका मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब है। तो हमें मेंटली भी हेल्दी रहना है, तो हम काम करते हैं मेंटल पे भी। ये हेल्थ के 6 पिलर हैं जिसपे हमें काम करना चाहिए। पहला, लव वैल्यू एंड रेस्पेक्ट योर सेल्फ, अपनी खुद से प्यार करना, अपने आप को वैल्यू देना, ये सबसे पहले पिलर होता है। जो आदमी अपने आप को वैल्यू नहीं देता, प्यार नहीं करता, वो सही आदमी नहीं है। फिर यू आर व्हाट यू ईट, आप वो हैं जो आप खाते हैं, एक्सरसाइज करना, रेस्ट एंड रिलैक्स, ईटिंग ऑन टाइम एंड हेल्थ एंड वेलनेस कोच, ये 6 पिलर आपको अच्छा बनाते हैं। अभी मैं आपको 9 चेकलिस्ट पॉइंट देने वाला हूं, बहुत ही शानदार जबरदस्त है। अगर आप अपने आप को हेल्दी समझते हैं तो आपके ये 9 के 9 पॉइंट होने चाहिए, अगर ये 9 के 9 पॉइंट नहीं है तो आप अपने आप को हेल्दी कंसिडर मत कीजिएगा। पहला, इफेक्टिव एलिमिनेशन, इफेक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप जब सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं तो आप अच्छे से होके आए,
बहुत सारे लोगों को बड़ी ताकत लगानी पड़ती है सुबह पॉटी करने में, आंखों में से भी पानी आ जाता है, जद्दोजहद, डरते हैं बेचारे वो सुबह पॉटी करने ना चला जाऊं आज मैं, क्यों, उनको मालूम है आएगी नहीं, जोर लगाना पड़ेगा। बहुत सारों को ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लडी वो आते हैं स्टूल, क्योंकि होता ही नहीं है। ये इंडिया में 50% लोगों की कमी है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके शरीर में से गंदगी बाहर निकलनी चाहिए, आप ओवरवेट अंडरवेट नहीं होने चाहिए। आपकी तीसरा, आपकी सांसें नहीं फूलनी चाहिए थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद। चौथा, आपकी कोई दवाई नहीं चलती रहनी चाहिए। पता लगा आप छोट, मैं तो 25 mg की दवाई खाता हूं तो भी हेल्दी नहीं है आप। उसके बाद नो फाउल स्मेल, आपके मुंह में से और शरीर में से बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर आपके मुंह में से और शरीर में से बदबू आती है, इसका मतलब यह है आपके शरीर में कचरा है, टॉक्सिन्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेंगे नहीं। उसके बाद नो ब्रेन फॉग। छठा, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं चश्मा लगाता हूं और बहुत सारे लोग आप में से चश्मा लगाते हैं, चश्मा वालों की आधी जिंदगी तो यही पूछने में निकल जाती है मेरा चश्मा कहाँ है, क्योंकि स्मरण शक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग आंखों पर चश्मा ढूंढ रहे हैं पूरे घर में, क्योंकि स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है। सातवा, एनर्जेटिक, जब भी कोई आपसे बात करे उसको खुशी होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट। जब भी आपसे कोई बात करे आप उसको अच्छी बातें करनी होनी चाहिए, यानी कि सकारात्मक बातें करनी चाहिए। और नोवा, साउंड स्लीप, अगर आप अपने आप को हेल्दी मानते हैं तो आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, 7 से 8 घंटे की नींद नहीं है, तो सो बीमारी पकड़ लेगी आपको इन फ्यूचर जाके। बहुत सारे लोग औंधे पड़े रहते हैं आज के मोबाइल पे, है ना, बस सारे दिन मोबाइल पे, आंखें भी निकल जाती हैं उनकी। तो इसलिए 9 checklist point है। अगर आप 9 में से 9 हैं तो आप परफेक्ट हेल्थ में हैं, 7 से 8 हैं तो आप एवरेज हेल्थ में हैं, अगर आप 5 से 6 हैं तो आप पुअर हेल्थ में हैं, अगर आप 0 पे भी हैं डजंट मैटर, आप सही जगह आए हो, बहुत अच्छी जगह आए हो, और आपके 9 में से 9 हो सकते हैं। मैं 0 पे था 9 में से, पर आज मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी कोच की हमेशा सुनी, कम्युनिटी में हमेशा बना रहा और प्रोग्राम को हमेशा अच्छा खान पीन पे रहा, इसलिए आज मेरे आज भी 9 के 9 बहुत हेल्दी हैं। अब हमें आइडल वेट पे क्यों रहना चाहिए, क्यों अपने वजन पे बराबर रहना चाहिए? क्योंकि अगर हम अपने वजन पे बराबर रहेंगे तो हम हार्ट डिसीज से दूर रहेंगे, हम स्ट्रोक से दूर रहेंगे, हमारे अंदर कैंसर से दूर रहेंगे, डायबिटीज से दूर रहेंगे, हमारे जॉइंट्स पेन नहीं होंगे, हमारे घुटनों में, हमारे जोड़ों में गठिया बाएं और दर्द नहीं होगी, हमारा एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा अगर हमें आइडल वेट पे लॉन्ग टर्म का फायदा देखना है। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, ऑस्टियोपोरोसिस से बचे रहेंगे, जहां हड्डी टूटने का दर्द बहुत रहता है। बहुत लोगों का हल्का सा टच किया और हड्डी टूट गई, क्योंकि बोन मजबूत नहीं है, हड्डियां मजबूत नहीं है। इनफर्टिलिटी रिस्क, बच्चा पैदा करने में आज इंडिया में बहुत कमी चल रही है, लोगों की सक्षम ही नहीं है क्योंकि इनफर्टिलिटी हो गई है, अच्छे से स्पर्म नहीं है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। और जितनी भी बीमारी मैं बता रहा हूं सब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। एनीमिया, सेल्फ स्टीम, जो लोग ओबेज होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, बीमार होते हैं, उनका आत्मसम्मान भी गिरा रहता है। और जब आप आइडल वेट पे रहेंगे हर फंक्शन को एंजॉय करेंगे, एवरी फंक्शन यू एंजॉय वेरी वेल। आप अपने पैसे को एंजॉय करते हैं, आप अपने परिवार को एंजॉय करते हैं, आप अपनी गाड़ियों को एंजॉय करते हैं, आप अपने कपड़ों को एंजॉय करते हैं, पर आस्क योरसेल्फ, आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करते हैं कि कहीं जाते हैं? तो अगर आप अपनी हेल्थ को एंजॉय नहीं करते तो कपड़े दूसरे आ जाएंगे, हर चीज दूसरी आ सकती है, शरीर को छोड़ दो, हर चीज दूसरी आ सकती है। तो इसलिए आपको आइडल वेट पे रहना, सिर्फ ये नहीं कि मामा के लड़के की शादी में जाना तो पतला होना है, उसके बाद बड़े फूल जाएं वापस, ऐसा नहीं गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। और जब भी हमारे शरीर में बीमारी आती है तो पहले सिम्टम आते हैं, एकदम से बड़ी बीमारी नहीं आती, पहले सिम्टम आते हैं। ये सारे के सारे क्या है, हमारे सिम्टम है। हमारी नींद खराब हो जाती है, हमारे मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होने लगता है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, एनर्जी नहीं रहती है, हमारा मूड बदलता रहता है, थोड़ी देर में हंस पड़े, थोड़ी देर में रो पड़े, बार बार खाने की आदत पड़ जाती है, खाने से दूर हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़, तनाव बढ़ जाता है। और देखिए 8वां पॉइंट, आप अंडरवेट और ओवरवेट हो जाते हैं। ओवरवेट और अंडरवेट लास्ट में लिखा हुआ है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पहली होती है एक्यूट डिसीज, एक्यूट जो पहला सिम्टम है अनहेल्दीनेस के। अगर हम यहां पे नहीं संभलते हैं तो हम क्रॉनिक डिसीज में चले जाते हैं। क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब क्या, क्योंकि आप उस, आपको वो बीमारी आ गई है और आपने उसकी छानबीन स्टार्ट कर दी, और ये किसकी वजह से, आपकी ओबिसिटी की वजह से। तो पहला कौन सा है, Type 2 diabetes, डिसलिपिडिमिया जहां बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कैंसर रिस्क, मूड डिसऑर्डर, हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर,
लीवर डिसीज और हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं हाई बीपी, ये किसकी वजह से? सिर्फ मोटापे की वजह से। अगर हम यहाँ पे भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया तो हमारे 14 तरीके के कैंसर ये आपको लग जाएंगे, जिसको बोलते हैं लास्ट डेडली डिसीज। और ये डेडली डिसीज में जय माता दी हो जाती है, फिर या तो ऑपरेशन कराते हो या फिर आप चले जाते हो। और ऑपरेशन करा के भी कोई गारंटी नहीं कि बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे। पर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप ऐसी नौबत आने क्यों दिया आपने, कि आपको आप सिम्टम पे क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बाल झड़ते हैं ना, आजकल तो सबके ही झड़ रहे हैं। जब डायबिटीज होती है आजकल तो सबको ही हो रही है। अरे सब कुएं में कूदेंगे तो क्या मैं भी कुएं में कूदूंगा क्या? बहुत सारे लोग आप में से क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मेरा वजन बढ़ गया। क्या लॉकडाउन ने नॉक करके बोला था कि तुझे वजन बढ़ाना है? नहीं, यू डिसाइड, यू चूज कि आपने अपना वजन बढ़ने दिया। हमारा तो नहीं बढ़ा लॉकडाउन में, हम तो अपने आप हेल्दी रहे। तो बहुत सारे लोग लॉकडाउन पे पर्चा फाड़ रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से मैं ओवरवेट हो गया। अरे नहीं, आपकी वजह से आप ओवरवेट हुए, लॉकडाउन को ब्लेम मत कीजिए। जब हमारी कमी होती है हम सब पे ब्लेम करते हैं, सही कि नहीं? तो इसलिए आपको बचना है, ये 14 तरीके के कैंसर से बचना है। जिसको हो जाते हैं पता उसी को चलती है, बाकी तो सब इंजॉय करते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, हाय हाय भगवान इसे कैंसर हो गया, भगवान ऐसे करके अपने काम पे लग जाएंगे, सुट्टा मारेंगे निकल लेंगे। तो इसलिए आपको स्वस्थ रहना है। आज पूरी दुनिया में ये डेटा बढ़ता जा रहा है, अकेले नहीं है बहुत सारे लोग, 200 करोड़ लोग ओवरवेट हैं, 60 करोड़ लोग ओबेज हैं और 47 करोड़ लोग इंडियन आर ओबेज, जो ओबिसिटी के शिकार है। और उनके ये तीन कारण है बस, आप हेल्दी हैं नहीं हैं, ये तीन ही कारण है। पहला हमारा माइंडसेट, हमारा माइंडसेट खराब, सब कुछ खराब, यानी कि हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते, उसको मजाक समझते हैं, जब होगा देखा जाएगा, बहाने देते हैं दुनिया भर के, ऑनलाइन में क्लब में नहीं आ सकता, मैं यहाँ नहीं आ सकता, मैं वहां नहीं जा सकता, मम्मी से पूछूंगा, बीवी से पूछूंगा, हस्बैंड से पूछूंगा। अरे क्या पूछोगे, उन्हें क्या मालूम उनको, उनको मालूम होता तो आप ऐसे ही रहते क्या? तो इतने बहाने देने लगते हैं, कमी नहीं है बस बहाने चालू हो जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट ठिकाने पे नहीं है। और जब माइंडसेट किसी आदमी का खराब होता है तो उसकी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, जीवन शैली, रहने सहने का, खाने पीने का, उठने बैठने का तरीका, और उसके ऊपर जो चार चांद लगा देता है हमारा खान पीन, जो भी हम खाना खाते हैं सिर्फ टेस्ट की वजह से, आंखों को अच्छा लगता है उसकी वजह से खाते हैं, उसका कोई दूसरा कारण नहीं। जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो बहुत सारी चीज एक्सेस में खाते हैं आप, साल्ट, शुगर, फैट, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, जिसकी जरूरत नहीं है, और जिसकी जरूरत है वो लेते ही नहीं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, अच्छा खाना। आप में से मुझे एक चीज बताइए, आप सारे लोग, आप भले पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, डजंट मैटर, जब आप गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उसके साथ मैनुअल आती है कि नहीं आती? भंवर जी, आती है? आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। यस, आती है सर। आप में से कोई भी मुझे बताइए, आपने कभी भी मैनुअल पढ़ के देखा है क्या? अनपढ़ हैं या आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है ये गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम करवानी है और ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तो आप अनपढ़ होके भी क्या पेट्रोल की जगह डीजल डाल सकते हैं क्या पेट्रोल की गाड़ी में? नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब क्या है, आपके आपके शरीर का सही खाना क्या है? प्रोटीन है। आपके शरीर का सही खाना क्या है? विटामिन, मिनरल्स हैं, फाइबर है, अच्छा फैट है, पानी है, प्रोबायोटिक है। पर आज के समय में क्या डाल रहे हो? कुत्ते न्यूट्रिशन खाते हैं, जिनके घर में पालतू कुत्ते होते हैं ना, वो न्यूट्रिशन खाते हैं आज के समय में। और आदमी उन्हीं के घर में जो आदमी है वो सुबह उठते ही पोहा खाता है। कुड यू इमेजिन, कुत्ते इंपॉर्टेंट है कि आदमी इंपॉर्टेंट है? इसका मतलब क्या? माइंडसेट। कल मैंने सुना था कि जो मेंटल लोग होते हैं ना, जो पागलों की जैसे घूमते रहते सड़क पे, भंवर जी। यस सर। जो पागलों की जैसे घूमते रहते, नंगे घूमते रहते हैं, टार्जन, उनमें से देखना कोई भी व्यक्ति ओवरवेट और अंडरवेट नहीं होता है। नहीं। और जितने भी पागल खाने में लोग हैं ना, वो कोई भी व्यक्ति ना तो ओवरवेट है, अंडरवेट है, स्लिम फिट है सब। क्यों? उनका ध्यान किस पे है? बस उनको एंजॉय करना है। जितने भी ज्ञानी लोग हैं यहाँ इस धरती पे, जिनको सब मालूम है, वही ओवरवेट है, वही अंडरवेट है, वही बिस्तरों पे लेट रहे हैं बीमारी की जड़, जितने भी सब समझदार लोग। क्यों मालूम है? क्योंकि उनका दिमाग सब जगह घूमता है, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, है ना, 5 रोटी के बाद चलो अब तो 2 मिठाई रसगुल्ले के भी लगेंगे ऐसा। तो ये सब डेफिशिएंसी की वजह से हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे आपकी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है।
ये हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने एक ही बात बोली है, जितनी भी हमारे शरीर में कमियां पैदा होती हैं, बीमारी ट्रेस होती हैं, पकड़ी जाती हैं, वो सब कहीं ना कहीं अच्छे खाने की कमी की वजह से होती है, आप चाहो या मत चाहो। जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो अनहेल्दी खाना आपका दुश्मन है, हेल्दी खाना आपका दोस्त है, पर उस अच्छे खाने को भी शरीर में इस्तेमाल करना है, नहीं तो कचरा बन जाता है। जब भी कोई चीज आप खाते हो और पीते हो तो आपको एक ही चीज समझ में आनी चाहिए कि ये मुझे बीमारी की तरफ लेके जाएगा या अच्छाई की तरफ लेके जाएगा। अभी मैं अपना शेक यूज कर रहा हूं तो मुझे मालूम है इस शेक को पीने से मेरे अंदर सारे विटामिन मिनरल्स जाएंगे जो मेरे शरीर में बीमारी से दूर रखेंगे और दवाइयों से दूर रखेंगे, तो मैं सही हूं, राइट। जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी 114 न्यूट्रिएंट मांगती है, पर हम उससे किस चीज से सेटिस्फाई करते हैं, चाय कॉफी से। बहुत लोगों की तो पोटी नहीं आती बिना गुटखा खाए, बिना सिगरेट पिए, बिना चाय पिए, बिना दवाई खाए। आपका शरीर दवाइयों के लिए नहीं बना है, आपका शरीर अच्छे खाने के लिए, क्योंकि आपका शरीर एक डॉक्टर है। तो जब भी सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी अच्छे खाने की डिमांड मांगती है, पानी की, पर हम क्या डालते हैं, ये देखिए, जैसा खाओगे वैसा हो जाओगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट, नीचे पटाखा ऊपर धमाका, सही कि नहीं। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं खाने की बात कर रहा हूं। तो जैसा खाओगे वैसे हो जाओगे, थिंक योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ, क्या बनना चाहते हो। जो भी चीज प्राइवेट में खाते हो पब्लिक में दिखती है। आप समोसा भले ही छुप के खा के आए हो, पर चलोगे तो मार्केट में ना, पेट तो मार्केट में दिखाई देगा। तो जो भी चीज आप प्राइवेट में खाते हो पब्लिक में दिखती है। ये देखिए, जैसा जैसा अन्न वैसा तन। इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच दबा के किया, और डिनर देखो कैसे फैल के किया, तो फैल गया पटरा कोई की जैसे, अदनान सैमी बन गया। पर ये आदमी ये ब्रेकफास्ट किया हेल्दी, लंच कम किया, डिनर कम किया, ये देखो ऋतिक रोशन जैसा दिख रहा है। तो डिजाइन योर लाइफ, क्योंकि रात में खाना, अगर इतना खाना खाओगे तो बॉडी को काम सिर्फ पचाने में लगेगा, जबकि बॉडी का काम सारे ऑर्गन को सेटल रखना है, सस्टेन रखने का काम होता है। पर हम इतना खा के सो जाते हैं कि पूरे रात हमारे शरीर को एक्स्ट्रा काम लगाना पड़ता पचाने के लिए, इसलिए रात में कम खाना चाहिए। कार्बो ब्रेकफास्ट खाना खाते हैं, दाल रोटी चावल आलू के पराठे पोहा समोसा जलेबी, ये सब दिन की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग कॉर्नफ्लेक्स और जैम खाते हैं, मॉडर्न सोसाइटी वाले लोग, और कुछ लोग ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, इतने चमत्कारी हैं। पर ये तीनों तरीके फेल हैं, क्योंकि आप सुबह से ही रिफाइनरी शुगर फूड है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट फूड खाने लगते हो, जिससे आपका शरीर सुबह से अनहेल्दी हो जाता है, और उससे आपका ब्लड शुगर फ्लैक्चुएट करता है, और आप एक दिन ओवरवेट, डायबिटीज, हाई बीपी की प्रॉब्लम, क्योंकि आपका खाना अंदर पच ही नहीं रहा, आपका खाना सेल्स तक जा ही नहीं रहा है, और सेल्स तक गया नहीं तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ नहीं। अगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो खाना आपका पड़ा रहता है शरीर में, और वो एक दिन आपके फैट के रूप में बदल जाता है। अगर आप घर से भी ये सारी चीज करने की कोशिश करोगे तो आज घर में भी वो ताकत नहीं है, आपकी खेती बाड़ी में वो ताकत नहीं है अच्छा भोजन पैदा करने की। उसके तीन कारण मैं बताना चाहूंगा। ये एक तो हमारा ग्रोइंग सिस्टम खत्म है, उसमें केमिकल खाद लगाते हैं, जल्दीबाजी की वजह से फल सब्जी उगाते हैं, 9 महीने की चीज को 4 महीने में लेके आएंगे, 9 महीने के बच्चे को 5वें महीने में बाहर कर लिया, तो बच्चा कैसा होगा वो, सही कि नहीं, अनहेल्दी। वैसी आपकी फल फ्रूट्स हैं, उसके ऊपर रख रखाव का तरीका, स्टोरिंग कंडीशन खराब हो गई, और ऊपर से हम जो तेल तप्पड़ डाल के कढ़ाई में सामान बनाते हैं ना, तो हम न्यूट्रिशन की हत्या कर देते हैं उसके अंदर। एक तो जमीन से ही न्यूट्रिशन नहीं है, अच्छा खाना ऊपर से रस्ते में किसी ने चोरी कर लिया, ऊपर से आपने उसका कढ़ाई में गला घोट दिया, तो आप पालक खा रहे हो घास खा रहे हो दोनों बराबर है, क्योंकि उसमें कोई ताकत नहीं है, सिर्फ आप पेट भरने के लिए और टेस्ट को अच्छा लगने के लिए खाते हो। यही तीन कारण है कि आपकी खेती बाड़ी में और आपके शरीर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आना स्टार्ट हो गया है। ये पहले लिखा होता था एन एप्पल दे दे कीप्स द डॉक्टर अवे, पर आज के समय में वो 5 से 6 एप्पल खाने पड़ेंगे तब जाके आप कंप्लीट होंगे। कौन खाएगा 5 से 6 एप्पल? चलो आपने खा लिए, आपकी फैमिली आपका मुंह देखेगी क्या, बोले पापा तो एप्पल खा रहे हैं, हमें सुबह सुबह दे रखे हैं पोहे, क्योंकि आजकल एप्पल भी, ये 5 एप्पल कितने आ गए हैं बवर जी, कितने के आएंगे आज के समय में 5 एप्पल? ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाली दुकान से लेते हैं तो 200 रुपए के। सर ऑर्गेनिक वाले तो 1600 रुपए किलो है, परंतु जो हमारे यहाँ पे बाजू में मार्केट में एक ऑर्गेनिक वाला बेचता है, बाजू वाला नॉर्मल वाला बेचता है, वो पता नहीं कौन सा लेता है, तो भी कम से कम 200 रुपया, 200-250 रुपए के मान के चलो आप, पर एक आदमी, और एक घर में जैसे वो वाहिद जी के यहाँ पे 8 लोग बैठे है ना, तो आप 1500-2000 रुपए के एप्पल खा सकते क्या डेली बेसिस पे? पॉसिबल ही नहीं है, और उसमें कुछ जाएगा भी नहीं, सही कि नहीं।
उसके बाद ये इसी वजह से इंडिया का सिनेरियो देखिए, हर एक व्यक्ति को डायबिटीज है, हर चौथे व्यक्ति को, 47 करोड़ लोग ओवरवेट है, नंबर वन अंडरवेट में हो गए हम पूरी दुनिया में। इंडिया नंबर वन है अंडरवेट में जिनका वजन हद से ज्यादा कम है, और टॉप थ्री में है जिनका जिनका वजन हद से ज्यादा ऊपर है। चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो बच्चे बैठे ना आपके साइड में, आपके बच्चों को चेक कीजिए आप, डायबिटीज की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, एनर्जी की प्रॉब्लम, 7 साल की लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, कैन यू इमेजिन, जहां 14 साल की उम्र में आती है लड़कियों को, क्या है उनका लाइफस्टाइल खराब है। हर 33 सेकंड में एक भारतीय की मौत हो जाती है, किससे? हार्ट अटैक की वजह से। क्यों? हमारा इंडिया जो है ना 4 से 5 गुना बीमारी जल्दी पकड़ता है अदर कंट्री के मुकाबले, क्योंकि हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है, चीजें देर में समझ में आती हैं, जो भी अच्छा बोले उसको बेवकूफ समझते हैं हम, है ना। हर एक आदमी को तो हम ज्ञानी बोल देते, आया बड़ा चल के, गांव में आप इंग्लिश बोलना चालू कर दो तो यही बोलेंगे, देखो अंग्रेज आया, बेचारा वो अंग्रेजी बोलना सीखा है, उसकी ओर शुरुआत में ही बंद करवा दो, सही कि नहीं? क्योंकि हमारा क्या माइंडसेट ठीक नहीं रहता, हमें एक ही बात सिखाई गई है इंडियन को, बीमार होएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, बस यही सिखाया गया है, सही कि नहीं? अब ये 5-4 तरीके हैं जिसकी वजह से सारे लोग ट्राई करके आ चुके हैं, आप लोग अगर आप नए भी बैठे हैं, इवन आप पुराने भी हैं, ये 4 तरीके से लोगों को वजन कम करने की सूझती है बस। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द हाउ टू लूज माई बेली फैट सबसे ज्यादा सर्च किया जाता आज के समय में गूगल पे, और इन 4 तरीकों से ही लोग वजन कम करने की कोशिश करते हैं, और आप में भी बहुत सारे लोग यही ट्राई कर रहे होंगे। पहला, एक्सरसाइज अ लॉट, आपने पार्क में धूल उठा रखी है, इतनी एक्सरसाइज कर ली, पर एक्सरसाइज वेट लॉस वेट गेन के लिए नहीं होती, एक्सरसाइज फॉर द फिटनेस, एक्सरसाइज फॉर द मसल इंप्रूव करने के लिए होती है, एक्सरसाइज वेट लॉस वेट गेन के लिए नहीं होती। दूसरा, डाइटिंग करना, आधे से ज्यादा लोगों को तो डाइटिंग का मतलब ही मालूम नहीं है। डाइटिंग का मतलब है ईटिंग ऑन टाइम, ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड। जिनको वेट लॉस करना होता है वो जीरा पानी, वो टमाटर पर खाते रहेंगे पूरे दिन, लो कैलोरी डाइट पे चले जाएंगे, और जिनको वजन बढ़ाना दुनिया भर का खाने लगेगा, तो ये सब नहीं है। डाइटिंग का मतलब वेट लॉस होता है वेट लॉस कैलोरी खाने से, वेट गेन होता है वेट गेन कैलोरी खाने से, और वेट मेंटेन होता है वेट मेंटेन कैलोरी खाने से। बहुत सारे लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लिपोसेक्शन का, सर्जरी का सहारा लेते हैं अपने वजन को कम करने के लिए, हर काम दवाई खा के करने की कोशिश करते हैं, हर काम, उठना सोना नहाना पीना धोना सब दवाइयों से, और दवाई खा के एक दिन आप अनहेल्दी हो जाते हो। चौथा, होम रेमेडीज, दादी माँ के नुस्खे, आज काम नहीं करते, 20 साल पहले करते थे, आज ये जीरा पीना नींबू हनिया धनिया ये कोई काम नहीं करता, क्योंकि आज उनमें वो ताकत नहीं है। अगर आप अनहेल्दी वेट लॉस करते हो, उसका तरीका बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप 1 किलो से ज्यादा वजन कम करते हो हफ्ते में, तो एक दिन आपके अंदर मसल मास कमजोर हो जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा, स्किन लटक जाएगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपके अंदर बीमारियां लग जाएंगी। और जितने लोग सर्जरी कराते हैं देख लीजिए, ये सर्जरी का तरीका है, जो लोग शॉर्ट टर्म में अपना वजन कटवाने की कोशिश करते हैं ना, ये तो बेचारी मोटी अच्छी लग रही थी, ये देखिए सर्जरी करा के कैसी हो गई है। तो कभी भी इन तरीकों से मत जाना, सही तरीके से जाना जो साइंस ने प्रूव किया है। अब सही तरीका क्या होना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आज तक प्रूव हुआ है कि ह्यूमन, जो एक आदमी है, एक इंसान है, वो एक ऐसा एनिमल है पूरे धरती पे जो आज तक भी खाना डायरेक्ट नेचुरल एनवायरमेंट से नहीं खाता है, उसको, है ना, उसको क्या है, आप जब वो नॉनवेज खाते हैं, जब आप नॉनवेज खाते हैं तो जो जानवर होते हैं उनके दांत ही नॉनवेज को काटने के लिए होते हैं, वो आपके जैसे ऐसे काटते हैं पकाते हैं, उसमें छोका वोका मार के अलग बैठ के फॉक से खाएंगे, उनको तो बुरा ऐसा मारा कर लिया। एंड आदमी जो है उसको दिमाग लगाएगा, इधर उधर छांटेगा, तो आज तक भी वो डायरेक्ट नहीं खाते, तो इसलिए साइंस उनके बीच में आई है। नेचर और साइंस का कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है वो इंसान के लिए बनती है। तो ये 3 प्राइमरी कॉन्सेप्ट हैं जो आपके आयुर्वेद में साइंस में प्रूव हैं, कि जो भी आप खाना खाते हो, 3 बार खाना खाना है, नॉर्मल खाना खाना है, हेल्दी न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, और आपके हर खाने में न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्योंकि आपका खाना आपके शरीर में लगेगा। आप खाना क्यों खाते हैं भंवर जी, मेरे को आंसर करेंगे क्या? आपके जरिए सबको पता चल जाएगा, ताकि हमारी बॉडी को फ्यूल मिले, फ्यूल मिले और एनर्जी मिले, यस, और वो दौड़ सके,
राइट, गाड़ी में तेल इसलिए नहीं भरवाते कि उसको पार्किंग में खड़ी करना है, गाड़ी में तेल इसलिए डलवाते कि उसको चलाना है, और बहुत सारे लोग खाना इसलिए खाते कि उनको दोपहर को सोना है, क्योंकि खाना खाते ही नींद आती क्योंकि उनके खाने में एनर्जी नहीं है, क्योंकि खाना शरीर तक पहुंचा नहीं है। तो आपको दिन में 3 बार खाना खाना है, भरपूर खाना खाना है, पर हर खाने में न्यूट्रिशन होना चाहिए, कैलरी वाली, ऐसा कैलरी खानी जिसमें न्यूट्रिशन हो, क्योंकि कैलरी तो पोहे में भी होती है, समोसे में भी होती है, पर वो क्या हेल्दी कैलरी होती है? नहीं। दूसरा, एक्सरसाइज करना, सिर्फ 20% एक्सरसाइज मायने रखती है, 45 मिनट एक्सरसाइज करोगे मोर देन एनफ, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी मस्कुलर बनती है, टोन होती है, फ्लेक्सिबल बनती है, और आपको चोटें बहुत कम लगती है जब आप एक्सरसाइज करते हो। आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जड़िया गठिया बाएं होती है ना, जॉइंट्सों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज जब करोगे तो आपके मूवमेंट्स अच्छे बनेंगे, और उस मूवमेंट्स को अच्छा बनाने के लिए नीड टू ईट न्यूट्रिशन कैलरी, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना कुछ भी अधूरा है, सही गाइडेंस, कोच एंड कोचिंग नॉलेज। इसकी वजह से लोग अधूरे हैं, इसकी वजह से तो लोग ये सारी चीज ट्राई करते ना, ये वाला ट्राई करते ना, गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे हाउ टू लूज माई वेट, हजार तरीके आएंगे, बस फॉलो कर लेंगे कोई सा भी, पर कोई भी फॉलो में आपका नाम नहीं था स्पेशल कि ये वाला जो प्लान है ये जय पाराशर के लिए है। मैंने देखा, फॉलो कर लिया, मुझे रिजल्ट नहीं आया, मैं सबको गाली देना चालू कर दिया, फिर सब मेरे लिए खराब है, कोई काम नहीं करता। किसकी वजह से? क्योंकि आपके साथ कोई कोच नहीं है, पर आपके साथ कोच होना जरूरी है, क्योंकि वो आपको जानता है, समझता है, आपको पहचानता है, फिर उसके बाद आपको मील प्लान करके देगा, राइट। अगर आपको वेट लॉस करना है तो 1200 कैलोरी से नीचे नहीं खाना है, किसी भी व्यक्ति को 1200 कैलोरी से नीचे खाओगे तो आप गड़बड़ हो जाएगी। तो एक, अगर किसी भी व्यक्ति को वेट लॉस करना है तो डेफिशिएट करना है अपने बीएमआर के अकॉर्डिंग, आपका बीएमआर कितना होना चाहिए उससे -500 करके खाना है, लेकिन 1200 कैलोरी से नीचे नहीं खाना है। और वो 1200 कैलोरी को आप दिन में 3 बार खाइए, मतलब 1200 कैलोरी दिया मैंने खाने के लिए, भैया 5 रोटी दिए, 5 रोटी पूरे दिन में खानी है, या तो एक बार खा लो या 3 बार में खा लो, तो मैंने आपको दिया 1200 कैलोरी, इतना ही खाना खाना है अगर आपको वेट लॉस करना है। अगर आपको वेट गेन करना है तो जितना आपका बीएमआर है उसका 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खाना है। सपोज करो आपका बीएमआर 1500 है तो आपको 2000 कैलोरी खानी है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो अगर आपका बीएमआर 1500 है तो 1200 से नीचे नहीं जाना, तो आपको क्या करना है, -300 कैलोरी खानी है और बाकी 500 कैलोरी का एक्सरसाइज करना है। ये देखिए, 3 से 5 कैलोरी में अपना माइनस कीजिए, जैसे 1800 का दिया हुआ है तो 1300 कैलोरी, तो 1200 कैलोरी से नीचे नहीं खाना लेडीज को, और जेंट्स को, मेन को 1500 कैलोरी से नीचे नहीं खाना है। अब ये न्यूट्रिशन कैलोरी किसमें से आनी चाहिए? आपकी 1200 कैलोरी न्यूट्रिशन से आनी चाहिए। आपकी ये 1200 कैलोरी पोहे समोसे से नहीं आनी चाहिए, आपकी ये कैलोरी न्यूट्रिशन से आनी चाहिए। न्यूट्रिशन क्या है? ये प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अनसैचुरेटेड फैट, विटामिन और मिनरल्स, फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स। प्रोटीन कौन सा? आज बहुत सारे लोगों को यह मिथ है कि प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, बहुत सारे लोगों को, पर कौन सा प्रोटीन खाने से? एनिमल प्रोटीन खाने से, जहां आप जानवरों को मार के खाते हो, किसी आदमी का, किसी जानवर का लीवर ऑर्गन खाते हो, उससे आपका वो प्रोटीन, वो उसको ना क्या बोलते हैं उसको, मैं बताऊंगा आपको, वो फूड में आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसका भी मेरे पे पास प्रेजेंटेशन है। प्रोटीन कौन सा खाना है? सोया प्रोटीन खाना है, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन खाना है, और जो आप प्रोटीन आज के समय में यूज कर रहे हो वो टॉप परफॉर्मिंग प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोटीन है, टॉप बेस, और उसका एक, उसकी लिमिट होती है जिसको बोलते हैं पीडी कास, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, पीडी कास को बोलते हैं, जिसके लिए प्रोटीन का नंबर दिया जाता है, उसका नंबर है 1। नंबर 1 का मतलब है उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइजेसिबिलिटी करेक्ट अमीनो एसिड मिला रहता है, जो पूरी दुनिया का नंबर 1 प्रोटीन है, पूरी दुनिया का। क्यों? क्योंकि उसका नंबर 1 दिया हुआ है। और जो आप प्रोटीन यूज करते हो वो वही प्रोटीन है जिसकी वजह से आप एकदम हेल्दी रहते हो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोटीन खाने से, अरे प्रोटीन तो आप खा ही नहीं रहे तो होगा क्यों? जो आदमी खाट पे लेटा हुआ है उसको भी 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और जो आदमी एथलीट बॉडी में एक्सरसाइज करता है उसको 1.8 ग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। एक समय पे 25 ग्राम प्रोटीन जाना ही चाहिए आपका, अगर नहीं खाते हो तो गड़बड़ हो जाती है। तो जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ता है
वो यूरिक एसिड इस वजह से बढ़ता है क्योंकि आप एनिमल प्रोटीन खाते हो, एनिमल प्रोटीन खाने से बढ़ेगा क्योंकि वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है आपका, वो क्रिस्टल में आ जाएगा, वो कहां जमा हो जाएगा, आपके जॉइंट्स में, और जैसे ही जॉइंट्स में जमा हो जाएगा वहीं पे आपको इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, गाउट अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं गठिया बाएं, और फिर आपके दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो आपके जॉइंट्स में जम गया है, वो पत्थर जैसा हो गया। अगर वो किडनी में चला जाएगा ना तो किडनी स्टोन हो जाएगी क्योंकि वो पत्थर बन गया, स्टोन बन गया। तो यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आपके ब्लड स्ट्रीम से बाहर होना चाहिए, पर वो क्यों नहीं बाहर होता, क्योंकि वो क्रिस्टल में आ गया, वो कहीं ना कहीं रुकता जाता है, जॉइंट्स में रुक गया तो जॉइंट्स प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी में रुक गया तो आपको किडनी स्टोन हो जाएगा। अगर आप प्रोटीन भी अच्छा खाते हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हो, अनसैचुरेटेड फैट खाते हो, पर आप विटामिन मिनरल्स नहीं खाते हो तो ऊपर वाले भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि आपके खाने को एनर्जी में बदलने के लिए विटामिन मिनरल्स पानी में घुल के आपके ये पूरे खाने को शरीर के सेल्स तक लेके जाते हैं। फाइबर क्यों खाना है, क्योंकि बॉडी की सफाई के लिए फाइबर जरूरी है, 40 ग्राम। प्रोबायोटिक्स क्यों खाने हैं, क्योंकि आपकी गट हेल्थ, आपका पेट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आपके गट से ही सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, राइट। तो ये प्रोटीन का, ये जो न्यूट्रिशन कैलोरी है ये आपकी यहां से आनी चाहिए। आज के समय में और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों ने बोल दिया है आने वाले समय में इलाज ही न्यूट्रिशन से होने वाला है, दवाई भी काम नहीं करेंगी आने वाले समय में, क्योंकि फूड इज योर मेडिसिन। अगर आपको अपने खाने को मेडिसिन बनाना है कि मेडिसिन को खाना बनाना है, यू डिसाइड व्हाट यू वांट, राइट। तो सबका जो हमारा कम्युनिटी है जो आज के समय में ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन का इतना फायदा है कि आप अपने घर से, मैं अपने घर पे बैठा हूँ सूट वूट पहन के, जैसी ट्रेनिंग खत्म होगी फिर सूट उतार दूंगा, फिर घर पे बैठा रहूंगा। तो ऑनलाइन वजह से आज हमने कम से कम इससे 7 से 8 महीने में 400-500 से ज्यादा लोगों का वेट लॉस वेट गेन करके दिया है, उनका माइंड सेट करके दिया है, क्योंकि प्रोडक्ट खाने से रिजल्ट नहीं आता है, इन्वायरमेंट से रिजल्ट आता है, एजुकेशन से रिजल्ट आता है। कितने सारे लोग न्यूट्रिशन खा रहे हैं मार्केट में, उनको कोई रिजल्ट नहीं, क्यों, क्योंकि उनको कोई समझाने वाला और बताने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कम्युनिटी का पार्ट बनना है, रेगुलर आना है, जहां भी आपके कोच आपको इन्वाइट करते हैं आपको आना है एजुकेशन के लिए। क्योंकि देखिए बावर जी, आप मुझे आंसर कीजिए, आपकी वजह से सबको मिल जाएगा। यस सर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें देख के पर्चा लिखता है, ठीक है, दवाई लिखेगा, वो दवाई का पर्चा लेके कहां जाते हैं हम लोग, जी सर, दवाई का पर्चा लेके मेडिकल स्टोर पे। हम डायरेक्ट क्यों नहीं चले जाते मेडिकल स्टोर पे पर्चा लेके, क्योंकि एक सही एडवाइस चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, सही हमारे लिए राइट क्या रहेगा वो हमें डॉक्टर बता पाता है। तो ये जो डॉक्टर है, यहां डॉक्टर का रोल क्या है, कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी आपको बताती है कि किस तरीके से आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। अगर आप विदाउट कोच कुछ भी चीजें एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे आपको कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। राइट सर। दुनिया का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी हेल्थ के ऊपर है। हम हर चीज का बजट बनाते हैं हेल्थ को छोड़ के, बाकी सारे बजट फेल हो जाते हैं जब आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। बोलते हैं पैसे के चक्कर में हेल्थ गवाई, अब हेल्थ को वापस करने के चक्कर में पैसा गवा दिया। जब आप सारा बजट बनाते हो, आप सारे लोग हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हो, कराते कि नहीं भवर जी, सब लोग करवाते हैं, हम लोग हेल्थ का कंफर्म मालूम है उनको बीमार करने वाले हम, इसलिए तो उन्होंने हेल्थ का इंश्योरेंस करा लिया, हमने नहीं कराया। एक्सीडेंटल से मरेंगे अलग बात है, बट अपनी वजह से ना मरेंगे हम, क्योंकि हमने अपने शरीर को अच्छा बनाया है। क्योंकि जब आप शरीर अच्छा बना के रखते हो तो किसी की कोई ताकत नहीं आपके शरीर को खराब कर दे, और अच्छे बच्चे शरीर में बीमारी नहीं आती है, बीमारी तब आती है जब आपका शरीर कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। दबंग आदमी को कोई नहीं पीट सकता आज के समय मार्केट में, हल्के फुल्के को कोई भी गाली देकर चला जाता है। तो सेम आपका शरीर है, जैसी शरीर मोटा हुआ, जैसी इन्वायरमेंट खराब हुआ, जैसी स्ट्रेस लेवल बढ़ा, आपके शरीर आपके दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि भैया आ जाओ बीमारी, अब मैं तैयार हो गया बीमारी को लेने के लिए। तो बिगेस्ट इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। तो सबसे पहले अपने आप को क्या करना है, अपने आप को इस कम्युनिटी का पार्ट बनाना है। कौन सी लाइफ आपको चाहिए, यू डिसाइड। कौन सा लाइफ चाहिए आपको, क्या चाहिए, यू डिसाइड। ये दोनों लेडीज एक समान है, पर एक ने ध्यान रखा, एक ने ध्यान नहीं रखा। तो क्या चाहिए आपको, आप डिसाइड कीजिए। सर मेरी स्क्रीन पर कुछ आ रहा है ब्लेड, शायद आपका फोटो गैलरी आ रहा होगा, तो उसको अपने को साइड में कर देना। यस सर, थैंक यू सर। तो आपको, आप अगर आपको अभी भी आ रहा है क्या? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को तो दिखाई दे रहा है। ओके,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आज आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, तो ये 5 पिलर पे ध्यान रखना है बस। सबसे पहला बैलेंस न्यूट्रिशन खाना है, जो आपकी कोच आपको गाइड करेंगे, एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से नींद लेनी है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और पानी पीना है। ये 5 पिलर हैं। अगर आपके कुछ भी दिक्कत आपको होती है अपनी लाइफ में, ये 5 पिलर ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। पानी नहीं पीते आप, आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, अच्छे से नींद नहीं लेते पूरी, एक्सरसाइज नहीं करते और आप बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं खाते। बैलेंस न्यूट्रिशन में क्या, आपको प्रोटीन विटामिन मिनरल सारे एडुकेट अमाउंट में खाने हैं, जो आपके कोच आपको गाइड करेंगे, राइट। तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले काम क्या है, आपको अपनी कम्युनिटी में आइए, अपने कोच की कम्युनिटी में जाइए, मॉर्निंग के न्यूट्रिशन क्लब का पार्ट बनिए, एजुकेशन का पार्ट बनिए, और वो सारी चीज आपको मिलके देगी, क्योंकि यहाँ पे अथा सागर है। वेट लॉस ही नहीं है खाली, बहुत कुछ है यहाँ आपको पाने के लिए, राइट। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी मैं एक यूरिक एसिड के ऊपर आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेहतर तरीके से, राइट। तो चलते हैं अभी सेकंड स्लाइड में। वेरी गुड, कितने लोगों को अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी आप थे हमारे साथ, कुछ मिला आपको ऐसा कि चलो कुछ तो अच्छा है। पर ये एक दिन का काम नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, ये एक दिन का काम नहीं है, इसको रेगुलर खुराक देनी पड़ती है किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। जो भी शादीशुदा लोग बैठे हैं, किसी भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए रेगुलर सर्विस की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए रेगुलर सर्विस की जरूरत पड़ती है। अगर आप रेगुलर सर्विस नहीं देंगे तो एक दिन वो खराब हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को अच्छा बनाना, ये आपके ऊपर अधिकार है। तो आज मैं अपनी सेहत को, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको खाने से जब छोड़ते हैं तो वजन बढ़ जाता है, कितने लोगों का ऐसा मानना है, आपने सुना होगा ऐसा कि जब छोड़ेंगे वजन बढ़ जाएगा, ऐसी स्क्रीन पे हाथ उठा लीजिए, मैं पता चल जाएगा। ये इधर नितिशा मैडम है, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है कि भैया इसको छोड़ देंगे तो वजन बढ़ जाता है। मैं आपको बताता हूं उनको राइट आंसर क्या करना है, आपको मजा आएगा। उनको पूछना है, जब भी कोई आपसे ऐसी बात करे, उनको पूछना है, वजन क्या न्यूट्रिशन खा के बढ़ाया था क्या? तो बोले किस चीज से बढ़ाया था, रोटियों से, चावलों से जो घर में खा रहे थे। तो जिस दिन आप न्यूट्रिशन खाना बंद कर दोगे और वापिस उस खाने पर लग जाओगे तो 100% आपका वजन बढ़ेगा। तो उस आदमी को यह लगेगा, यार ये तो सही बात बोल रहा है, क्योंकि वजन तो मैंने न्यूट्रिशन खा के नहीं बढ़ाया था, वजन तो मैंने रोटी तोड़ के बनाया था, सुबह शाम तक मैं चल रहा था फटाफट सुबह से लेके शाम तक। हाँ, इंदौर में इधर 3 बजे पोहा खाते हैं, बताओ लोग, कैन यू इमेजिन, कहां से ठसे वो, इधर से, मेंटली डिस्टर्ब है। कब क्या समय पे खाना चाहिए सर, है ना, सर्केडियन रिदम होता है, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे ही उनको आंसर देना है। तो अभी मैं थोड़ा सा यूरिक एसिड के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं, तो आप जस्ट स्टे ट्यून विद अस और थोड़ा सा बने रहना है लिटिल बिट, और जैसी मेरी स्क्रीन आएगी तो आप बता दीजिए और जी। आगे क्या विजिबल सर, विजिबल, बस अभी आगे क्या, यस सर, परफेक्ट, यस। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के बारे में हम बात करने वाले, इसको समझ लो टिप्स, ये अगले 5 मिनट में हम टिप्स सीखेंगे कि यूरिक एसिड क्या है, क्यों बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। तो यूरिक एसिड हमारा होता है, ये देखिए, ये आपके नॉर्मल जॉइंट्स हैं, दिस इज द हेल्दी जॉइंट्स, हेल्दी, बट अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यहां देखिए ये जॉइंट्स के बीच में क्रिस्टल आ जाते हैं और इन क्रिस्टल की वजह से आपकी जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है, इनफ्लेम जॉइंट्स, यानी कि सूजन आ जाती है, जलन पैदा हो जाती है, इनफ्लेम। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, अर्थ मतलब जॉइंट्स और इनफ्लेमेशन मतलब सूजन, अर्थराइटिस्ट माने इनफ्लेमेशन। इनफ्लेमेशन मतलब क्या है, एसिडिटी इन्फ्लेमेशन है, ब्लॉटिंग इन्फ्लेमेशन है, कितनी सारी चीजें इन्फ्लेमेशन है। तो आपके जॉइंट्स में जो सूजन आती है वो क्या है, इन्फ्लेमेशन है। तो ये देखिए, ये जो क्रिस्टल बढ़ता है, ये आपके अंदर में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, डिपॉजिट ऑफ यूरिक एसिड यहां डिपॉजिट हो गया, और ये अगर किडनी में चला गया तो किडनी स्टोन क्यों होते हैं, ये यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होते हैं। यूरिक एसिड क्या है, इज ए वेस्ट प्रोडक्ट फाउंड इन द ब्लड,
ये एक वेस्ट पदार्थ होता है जो ब्लड में पाया जाता है. इट्स क्रिएटेड व्हेन द बॉडी ब्रेक्स डाउन केमिकल कॉल्ड प्यूरिंस. एक ऐसा केमिकल होता है जब उसका ब्रेक डाउन होता है उसके रूप में यूरिक एसिड पाया जाता है. मोस्ट यूरिक एसिड डिजोल्व इन द ब्लड. बहुत सारे यूरिक एसिड ब्लड में डिजोल्व हो जाते हैं, पास थ्रू द किडनी, फिर वो किडनी में जाते हैं और किडनी प्यूरिफिकेशन का काम करती है जिससे कि वो यूरिन के जरिए आपके टॉयलेट के जरिए आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं. फूड एंड ड्रिंक हाई इन प्यूरिन्स ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड. जो फूड और जो खाना जो पीना प्यूरिन एसिड है, जो प्यूरिन वाला फूड है, उसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, ना कि प्रोटीन खाने से. राइट, प्यूरिन प्रोडक्ट क्या है? प्यूरिन इज द प्रोड्यूस नेचुरली इन योर बॉडी एंड इट ऑल्सो फाउंड इन सर्टेन फूड. द प्रॉब्लम इज दैट कि प्यूरिन ब्रेक डाउन इन टू यूरिक एसिड. जो प्यूरिन वाले फूड होते हैं वो यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं, विच कैन फॉर्म इन टू क्रिस्टल. और जो क्रिस्टल में डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब वो छोटे छोटे कंकड़ बन जाते हैं. और वो कहाँ पे आपके डिपॉजिट हो जाते हैं? आपके जॉइंट्स में, जो आपको पेन पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन. और दिस जॉइंट पेन इज रेफर्ड टू गाउट. गाउट एक अर्थराइटिस है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और उसका गाउट अटैक भी आता है. ये होते हैं आपके प्यूरिन फूड्स. एनिमल, एल्कोहल का ज्यादा सेवन करना, बीफ, पॉर्क, सैडनेस, ये जानवरों का मांस खाना, उनका ऑर्गन खाना, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, ना कि सोया प्रोटीन खाने से बढ़ता है. अर्थराइटिस का मतलब अर्थ मतलब जॉइंट्स, इट्स मतलब इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द जॉइंट्स. एक और दो, हमारे शरीर में 360 जॉइंट होते हैं, 360 जॉइंट्स, और सारा काम जॉइंट्स का है. पर हम जॉइंट्स को अच्छा नहीं बनाते क्योंकि एक तो वजन ज्यादा है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ऐसे फूड खाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आता है. तो आप सबसे पहले अपने जॉइंट्स को अच्छा बनाने के लिए अपनी आदतें, एक्सरसाइज करना और अपने वजन को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है. अब गाउट्स क्या होता है? गाउट्स वो होता है अर्थराइटिस जहां आपका यूरिक एसिड आपकी ब्लड में जमने लगता है और वो जॉइंट इन्फ्लेमेशन. एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक. राइट, तो गाउट्स एक तरीके का अर्थराइटिस है, एक तरीके की प्रॉब्लम है, एक तरीके का इन्फ्लेमेशन है, गठिया बाएं जैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं ना अर्थराइटिस को, गठिया बाएं. कॉज ऑफ हाई यूरिक एसिड, ओवर कंजप्शन ऑफ फूड दैट आर हाई इन प्यूरिंस. यानी कि आप एनिमल प्रोटीन ज्यादा खाते हो, जो एनिमल से बने, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा खाते हो जो एनिमल की वजह से. हम गाय भैंस का दूध पीते हैं, अरे गाय भैंस का दूध उनके बच्चों को पीने दो, तुम क्या कर रहे हो उनका दूध पी के? बेचारों को उनका सांप लग रहा है हमारे ऊपर, सही कि नहीं? तो आपको एनिमल प्रोटीन नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है. मेरे घर में दूध नहीं पिया जाता. दूध से सबसे ज्यादा डाइजेशन खराब होता है और हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, क्योंकि गाय भैंस के हार्मोन आपके बच्चों के पेट में आ जाते हैं, क्योंकि दूध तो आप गाय भैंस का ही पीते हो ना, सही कि नहीं? उसके बाद एक्सेसिव इनटेक, शुगरी बेवरेज, शुगरी फूड खाते हो, रिफाइंड शुगर खाते हो, उसकी वजह से आपको ये होता है. और सबसे ज्यादा ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, उसकी वजह से गाउट्स की प्रॉब्लम आती है. गाउट के सिम्टम क्या हैं? ये देखिए, पेन दैट रैपिडली वॉर्स, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है जॉइंट्स में, नी में, एंकल में, रिस्ट में, एल्बो में, किडनी स्टोन हो जाता है और आपके ये जो जॉइंट्स हैं सूज जाते हैं और इनको टच करने से गरम गरम लगता है और एक दिन बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. गॉट की डिसीज क्या है? नी, एंकल और फूट सूजने लगते हैं, उनमें गांठें बन जाती हैं, आपके आपके अंगूठों की जो हड्डियां हैं ये सूज जाती हैं, ये बड़ी बन जाती हैं, आपकी एल्बो बाहर निकल जाती है, रिस्ट में गांठें पड़ जाती हैं और फिंगर आपकी गांठें पड़ जाती हैं. आपने देखा हो बहुत सारे लोगों के गांठे से पड़ी रहती हैं, सूजी रहती हैं, वो गाउट डिसीज है, ये एक तरीके की अर्थराइटिस है. फूड टू ईट एंड अवॉइड टू गाउट. आपको क्या करना है? आपको वूल ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट खाना, ब्राउन राइस खाना है, बैलेंस न्यूट्रिशन खाना है. जैसे मैंने बताया था ना, सात, वो सात न्यूट्रिशन खाने इंजॉय करोगे. और क्या क्या चीज नहीं खानी है ये देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाले फूड नहीं खाने आपको. प्रोसेस एंड रेड मीट, रिफाइंड एंड आर्टिफिशियल शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, रिफाइंड ग्रेन एंड फ्लर, कॉर्न ऑयल, एग, अंडा, फूड कंटेनिंग मोनोसोडियम ग्लूटामेट, बियर, वे प्रोटीन एंड रिफाइंड साल्ट, ये नहीं खाना है अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है. आपको क्या खाना है?
जो मैंने आपको बताया। ये देखिए, यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने के लिए अवॉइड शुगर, अवॉइड अल्कोहल, अपना वजन कम कीजिए, बैलेंस रखिए। अगर आपका वजन बैलेंस रहेगा तो आपकी इंसुलिन बैलेंस रहेगी। एड फाइबर, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ज्वाइन द कम्युनिटी, आपको लोगों में जुड़ना है, हेल्दी लोगों में जुड़ना है। और अपना मेडिकेशन को देखो, उसको हर बीच में चेक कराते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो द 5 पिलर्स। जो आप मॉर्निंग का शेक लेते हो, दोपहर का खाना और रात का शेक, दैट इज द ओनली वे टू बैलेंस योर फूड, क्योंकि उसमें सब कुछ है। ऊपर से मल्टी विटामिन, हर्बल लाइफ लाइन, ये आप अपनी कोच से बात कीजिए कि कौन कौन सी चीजें हैं। बस आपका बैलेंस न्यूट्रिशन खाना, यानी कि आपको 7 चीजें खानी है, प्रोटीन, सोया प्रोटीन, आइसोलेटेड प्रोटीन, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, जो हमारा प्रोटीन आता है, जो आपके कोच आपको प्रोवाइड करेंगे। कोच के अलावा कहीं और मत चले जाना, यहां से मिल रहा, वहां से मिल रहा, चचा ताऊ से मिल रहा है, मार देगा आपको चचा ताऊ कहीं ना कहीं। सर अब आपको अपने कोच से ही लेना है ना, कहीं पे भी मत जाओ, क्योंकि विदाउट एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। आप सस्ते के चक्कर में, मामा नानाओं के चक्कर में अगर आप चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। पानी भरपूर पियो, 7 से 8 गिलास, 3 से 4 लीटर पानी पियो, एक्सरसाइज करो, मेंटल बीइंग यानी कि आपका माइंड पॉजिटिव रखो और अच्छे से सो। यही तरीका है आपको अच्छा बनाने के लिए, और यही है आपके यूरिक एसिड को, क्योंकि ये मिथ है। बहुत लोगों को मैंने सुना भी था पहले भी कि भैया मुझे तो प्रोटीन खाने से हो जाता है। अपने आप को एजुकेट करो और अपनी फैमिली को एजुकेट करो। आपका माइंड प्रोटीन का है, बाल प्रोटीन का है, हार्ट प्रोटीन का है, कैसे कर लिया आपने कि प्रोटीन खा के, पर कौन सा प्रोटीन खाना है? प्लांट बेस प्रोटीन खाना है, सोया प्रोटीन, आइसोलेटेड, फैट फ्री, जो आपके पास है, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। एजुकेट करो अपने आप को, माइंडसेट करो। उन लोगों से मत पूछो जिनको खुद का ही कुछ मालूम नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग मार्केट में ज्ञान दे देते हैं जिनको खुद ही कुछ मालूम नहीं है, खर्रा खा के सोते रात में, बताओ वो तुम्हें ज्ञान दे देंगे क्या? सिगरेट पी रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार सही नहीं है ये कम्युनिटी, तो उनसे मत बोलो। ऐसे से पूछो जो आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड, एनर्जेटिक है। और ऐसा कौन है? आपका कोच और आपकी कम्युनिटी। तो आपको बड़े स्वस्थ रहना है, अपनी कम्युनिटी में आना है, अम्बेसडर क्वालिफाई करो और लोगों की मदद करो, कम्युनिटी में लाओ, अपने परिवार को लाओ, और अपने परिवार को सबसे पहले हेल्दी बनाओ, फिर परिवार के साथ साथ और मार्केट में निकल के जिसकी भी मदद करने का मौका मिले आपको करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है लोगों की मदद करना। किसी की करके देखो, उनकी हेल्थ को अच्छा बना के देखो, एक दिन बहुत बढ़िया बनने वाले, राइट? तो दिस इज फॉर माई साइड, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। आई होप कि आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ समझा है। पर सीखना एक दिन का काम नहीं है, सीखते रहना है, तब मजा आने वाला है, राइट? तो आप लोगों से बात करके आई एम वेरी ब्लेस्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारे लोग हैं, अपने हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट? तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी भी 900 लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे हैं, ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, और बढ़िया है। तो अभी अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर पूछना है, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अपना पार्टिसिपेंट में जाके हैंड रेज कीजिए, मैं आपके जरिए किसी को भी आंसर करने वाला हूँ, राइट? 4-5 लोगों का एक्सपीरियंस लेंगे, 5 लोगों का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रहा सर का, और बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। अभी आप लास्ट तक लाइन पे बने, हमारा मुश्किल से 5 से 10 मिनट का सेशन और रहेगा, और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं, परंतु मैं कुछ लोगों से क्वेश्चन लूंगा। हो सकता है सबके कॉमन ही क्वेश्चन होंगे, जो एक ही क्वेश्चन हो सकता है, कई सारे लोगों का हो सकता है, तो मैं ऐसे कुछ 3-4-5 सेलेक्टेड क्वेश्चन लूंगा। तो क्योंकि सभी का ले नहीं पाएंगे, तो आप उसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। और मैं सबसे पहले अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजूंगा आपको, आपको अनम्यूट करना है और अपना क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन जो अभी हमारी बातचीत हुई उसी से ही रिलेटेड रहे, और क्वेश्चन आपसे ही रिलेटेड रहे, आपकी ही हेल्थ से रिलेटेड रहे। कई बार हम पूछते हैं, हमारे एक मिलने वालों को ऐसा है, तो मिलने वालों को ऐसा उतना अप्लाई नहीं हो पाता है जितना चीजें आपने सीखी है आप अप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले अनम्यूट कर रहा हूँ नीतिशा जैन साहब को। नीतिशा जी, आप के पास अनम्यूट का मैसेज आ रहा होगा, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। सर मेरे कस्टमर का ही मेरे पास सवाल है, तो सर क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे? पूछ लीजिए। सर मेरी एक कस्टमर है जिनको मतलब बॉडी में सारी नसों में मतलब सूजन रहती है उनको बार बार, और मतलब वो बार बार उनको बुखार वगैरह आता रहता है, तो मतलब सर हम क्या उनको सजेस्ट कर सकते हैं ये सारी चीजें? देखो,
मैंने क्या बोला, लास्ट के जो पांच पिलर हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, अच्छे से नींद आना, पानी पीना और पॉजिटिव माइंडसेट, ये पांच ही पिलर हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ स्टाइल, क्योंकि आपने जो भी बताया इन्फ्लेमेशन है वो, है ना। तो इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती, जैसे मैंने अभी यूरिक एसिड का बताया, वो भी एक इन्फ्लेमेशन है, अर्थराइटिस भी एक इन्फ्लेमेशन है, एसिड ब्लॉटिंग, गैस बनना, ये सब इन्फ्लेमेशन है, फीवर आना इन्फ्लेमेशन है। तो अगर मैं अपने शरीर की लाइफस्टाइल अच्छी रखूंगा, अपने पूरे दिन की दिनचर्या अच्छी रखूंगा, सही से सोऊंगा, सही से उठूंगा, खाऊंगा पीऊंगा बढ़िया तरीके से, और जो भी मेरा खाना है अगर उसमें न्यूट्रिशन जा रहा है, हाई न्यूट्रिशन जा रहा है, तो शरीर का तो खाना ही न्यूट्रिशन है ना। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही न्यूट्रिशन डालना आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिशन कोई मैंने नहीं बनाया है, ये तो हजारों लाखों साल से चलता आ रहा है, सही कि नहीं। इसलिए तो आज देखा ना, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जो 100 साल के होते हैं, वो 100 साल क्यों पकड़ पा रहे मालूम है, क्योंकि उनका बचपन का खाया पिया बहुत अच्छा है। और क्यों आज के लौंडे 25 साल की उम्र में 50 के दिख रहे हैं, क्यों में एनर्जी नहीं है, क्यों लड़कियां आज 15 साल की दिख के 35 की दिख रही हैं, क्यों हम 65 साल की उम्र में चले जा रहे हैं, क्यों हमारे घुटने काम नहीं करे। आस्क योरसेल्फ, अपने आप को बैठ के पूछो, सारे के सारे लोग, क्यों आपको प्रॉब्लम है। आप में से बहुत 2% लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, क्योंकि मैं 40 साल का हूं, आपकी 40 साल से उम्र ज्यादा है, पर 95 कितने हैं जिनकी 40 साल से नीचे है। आस्क योरसेल्फ, आप क्यों अनहेल्दी हैं, क्यों मोटे हो गए, क्यों आपकी आंखों में दर्द होने लगा, क्यों आपके घुटने तरसने लगे, क्यों, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल और आपका खान पीन अच्छा नहीं है, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, दूसरा आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। यस मैडम बोलिए। बोला सर वन मोर क्वेश्चन। सर एक कस्टमर है, उनका विजल फिट स्टार्टिंग में मतलब 6 मंथ पहले से उनका न्यूट्रिशन चल रहा है, 6 मंथ पहले भी 30 था और आज भी उनका 30 ही है, मतलब उनका विजल फिट ही मतलब कम नहीं हो पाया, तो सर उसके आपको लिए क्या लगता है ऐसा। सबसे पहले आप अपने आप में कॉन्फिडेंट, अपने आप में कॉन्फिडेंट। सर मुझे कॉन्फिडेंट है, मैं उनको हमेशा गाइड करती रहती हूँ कि आज नहीं तो कल, आपका ज्यादा था विजरल फेट इसलिए मशीन पे नहीं बता रहा है, आपका विजरल फेट कम हो रहा है। ऐसे मत बोलिए कि आज नहीं तो कल जाएगा, उनको सही सॉल्यूशन दीजिए, उनको चेक कीजिए, उनका पूरा दिन का रूटीन चेक कीजिए, उनका माइंडसेट चेक कीजिए, उनका व्यवहार चेक कीजिए, और जो उनका वजन रुका हुआ है उसमें थोड़ा उनके प्रोग्राम में चेंज कीजिए, क्योंकि प्लेटू आता है। डालडा देसी घी खाते खाते हमें डालडा की भी पहचान नहीं रहती कभी कभी, सही कि नहीं। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, उनका वजन जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी आपका जो भी क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा अपने खुद से रिलेटेड रहेगा, तो आप उन चीजों को अप्लाई बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ, मंजुला बामन के बोल के आईडी है, और एक सर बैठे हैं, मंजुला नॉर्मली फीमेल का नाम होता है, हो सकता है आपका नाम हो है। तो मैं आपको मैसेज कर किया है अनम्यूट का, आप आपको पॉप अप आया होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक कस्टमर है, उसको पैरों में और शरीर में पेन भी है, उसके बाद में हमेशा सर उसे पानी भरा जाता है। पहले उनको पानी नहीं था, लेकिन ये अपना न्यूट्रिशन लेने के बाद में कभी कभार ऐसा होता है, तो डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले कि पानी बॉडी में घुस रहा है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने डॉक्टर को बताया कि हम ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि न्यूट्रिशन अभी बंद कर दो और पहले डॉक्टर का बता के वो पानी निकला हो। तो क्या क्या किया जाए सर। सर उसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन। अपना माइक म्यूट कीजिए, अपना माइक म्यूट कीजिए। जी जी, उसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन का मतलब है जब शरीर में पानी की कमी आती है तो शरीर को तो पानी चाहिए, तो वो पानी सोखने लगता है, स्टोर करने लगता। जब आपके आपकी कॉलोनी में पानी की कमी होती है तो आप चम्मच में भी पानी स्टोर करते हैं, करते कि नहीं करते। चम्मच में, कटोरियों में, छोटे छोटे गिलासों में भी आप पानी करते हैं, सही कि नहीं। तो पानी को बॉडी से निकालने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि रुक गया है और बॉडी जो है वाटर रिटेन कर गई, यानी कि शरीर में पानी की कमी है और शरीर को पानी चाहिए, तो वो पानी को इकट्ठा कर लेती है, डर जाती है कि भैया मजबूरी में पानी इकट्ठा करके रखो, पता नहीं कब जरूरत पड़े, सही है। तो पहली बात तो उतना पानी नहीं कोई पीता, मैं डॉक्टरों को गलत नहीं बोल रहा हूं, पर इज नॉट ए राइट आंसर। आपको पानी पीना है, अपने पांच पिलर चेक करने, क्या आपकी नींद प्रॉपर है, क्या क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या क्या आप बैलेंस न्यूट्रिशन खाते हैं क्या। और ऐसा काम बिल्कुल मत करो जो आपको ट्रिगर करता है, जो दाल आपको नुकसान करती है मत खाओ टेस्ट के चक्कर में,
जो रसगुल्ले मिठाई आपको दिक्कत देते मत खाओ, 2 मिनट का टेस्ट है जीवन वर्ग, जैसे बोलते ना शुगर खाने में मजा देती है पर हो जाए तो सजा देती है, सही कि नहीं? एक बार डायबिटीज हो जाती तो फिर हम क्या है दूसरों को देख देख के जलते हैं, मैं नहीं खा पा रहा क्योंकि एक दिन इतनी उधेड़ी हमने पता ही नहीं चला हमें, सही कि नहीं? तो इसलिए चेक योर 5 पिलर्स, बैलेंस रहना है। आराम से दे सकते हैं, इन्फ्लेमेशन है, हर्बल लाइफ लाइन, अपने कोच से बात करो, हर्बल लाइफ लाइन, ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम दो, ठीक हो जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी एक डॉक्टर विटुल खान आपको मैसेज आया है, आप पूछें। वेरी गुड आफ्टरनून सर, कितने हो सर? बाकी सबके हाथ नीचे कर दीजिए, मुझे दिख नहीं रहे, स्पॉटलाइट पे नहीं है क्या? कहाँ हो सर, किधर से बोल ले? यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। अरे हाँ जी सर बोलिए। हाँ सर, मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपसे मिली सर। थैंक यू सर। और मैं जानना चाहूंगा सर कि जैसे यूरिक एसिड के बारे में आपने बताया तो इसके जो थेरेपेटिक इफेक्ट्स है सर उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी चाहूंगा। जो थेरेपेटिक इफेक्ट्स मैंने बताया थे ना आपको, कोज एंड सिम्टम। यस यस वही है। ओके सर। ओके और सर जैसा कि आपको अपने 5 पिलर पे ध्यान देना है सर। यस सर, That's it. उसके अलावा और जैसा कि सर आपने बताया कि अपन 2 टाइम अगर शेक ले लेते हैं सर और उसके बाद एक बार लंच ले लेते हैं, हाँ। तो उसके बाद हमें किसी तरह के कोई फूड्स में जैसे फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है एक्स्ट्रा लेने की कोई जरूरत नहीं है लंच हमारे लिए? हाँ मैं बताता हूँ आपको, मॉर्निंग का शेक जाता है 250 कैलोरी का। यस सर। तो उसमें सारे एसेंशियल विटामिन मिनरल प्रोटीन मिल जाते हैं आपको, ठीक है? यस सर। फिर आपका जो खाना होना चाहिए वो 700 कैलोरी का होना चाहिए। यस सर। 700 कैलोरी का खाना अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो सैलेड है, जो मैं सैलेड खाता हूँ, वो अगर मेरा लंच का समय 2 बजे है तो मुझे सैलेड खानी है 1:30 बजे, और कितनी खानी है, जितना आपका वेट है उसका 5 गुना। सपोज करो आपका वेट है 60 किलो, तो उसका 5 गुना कितना हो गया, 6×5=30, यानी कि 300 ग्राम सैलेड खानी है। और सैलेड के साथ में आपको फ्रूट्स नहीं खाने क्योंकि फ्रूट्स में शुगर है, आपका कैलोरी बढ़ जाएगा। तो आपको 300 कैलोरी का खाना है फ्रूट्स आधे घंटे 1 घंटे पहले, और फिर 400 कैलोरी का, 400 या 500 कैलोरी का खाना, कैसा? एक बाउल दाल, कटोरी नहीं, किसी कटोरी नहीं, बहुत सारे ऐसा खाना खाते जैसे जेल में रह रहे हो जेल वाला खाना खाते, नहीं नहीं वो नहीं खाना है, कटोरा भर के दाल, कटोरा भर के ये बाउल देखो, ये इतना से नहीं बोल रहा, इतना इतना दाल, इतनी सब्जी और इतनी कर्ड दही, दही, और 1 हफ्ते चावल खाओ या 1 हफ्ते रोटी खाओ, 2 ग्रेन एक साथ मत खाओ। राइट सर, राइट। तो ये टोटल हो गया 700 कैलोरी का। और जितना खाना खाना है ना टेस्टी, उतना दोपहर को खाओ, भरपूर खाओ, पर एक बार थाली छोड़ दी दोबारा टेस्ट मत करो, चलो अभी तो मिठाई खा लेता हूं दो। ओवर ईटिंग बोलते हैं इसको, यही प्रॉब्लम आती है लोगों में। और फिर रात को अपना 250 कैलोरी का शेक पियो, क्योंकि रात में शेक इसलिए पीना है क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी बॉडी का जो कैलोरी बर्निंग है रिपेयरिंग टाइम स्टार्ट होता है, आपके आपका जो शरीर है, आपके ऑर्गन को, आपका खाना, एनर्जी, आपका बीएमआर, आपके शरीर को मेंटेन करने का काम करते हैं, रिपेयर करने का। पर हम इतना खाना खा लेते हैं पूरे रात खाने पचाने में निकल जाती, बाकी लोगों को टाइम नहीं मिलता। इसलिए ये टोटल खाना शेक मील शेक, ये आपका कितना कैलोरी का हो गया, 1200 से 1300 कैलोरी का। और उसमें आपको 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है, 10,000 स्टेप्स चलने हैं, और सही माइंडसेट में रहो, सही लोगों के बीच में रहो, सबसे पहली बात। अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं है डॉक्टर साहब, यस सर, तो अमृत भी पियोगे वो भी जहर बन जाएगा। राइट सर, राइट सर। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक। हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंद किशोर राठौड़ साहब, आपको मैंने अनम्यूट का पॉपअप आया है आपके पास, आप बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मुझे ना क्रेम बाइटे की तकलीफ थी आज से 4-5 साल पहले तक, और किसी कारण से फिर वो ठीक हो गई थी। ठीक है। क्रेम बाइटा आना मुझे, यानी नसों का एड़ जाना उंगलियों के ऊपर, नस पे इन्फ्लेमेशन है सर वो। ठीक, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है वो। ठीक है, तो वो मेरा ठीक हो गया था। फिर अभी हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट में करीब 6 महीने से ले रहा हूँ, और मुझे अब ऐसा लग रहा कि मैं हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट का नहीं बोलता कि उसकी वजह से आ गया, यानी किस वजह से फिर से वापस मुझे आ गया, यानी जो 4-5 साल पहले मेरा क्रेम बाइटा नसवेट जाना ये खत्म हो चुका था, वो दोबारा से फिर से अभी मुझे महसूस हो रहा है, दोबारा से फिर आ रहा, पिंडियों में आ रहा है,
उंगलियों पे नस चढ़ जाती, पांव की नस पे नस चढ़ जाती, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये होती है आपकी उसको बोलते हैं ये आपका रिमोटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है जब क्रैम्स आते हैं तो पानी की कमी है और वही हमारा न्यूट्रिशन की कमी है। बस पांच पिलर चेक करो सर, उसके अलावा कुछ नहीं। कहीं ना कहीं हम जब खाते रहते हैं तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उस वजह से सारी चीजें क्रैम क्यों आते हैं भाई, वो भी इन्फ्लेमेशन ही है। और इन्फ्लेमेशन को न्यूट्रिशन चाहिए, कंप्लीट न्यूट्रिशन लो। हर्बल लाइफ लाइन, दो टाइम शेक, चेक करो पानी कितना पीते हो, एक्सरसाइज करते कि नहीं करते, ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा। एक टाइम शेक लेने से नहीं होगा, 114 न्यूट्रिएंट चाहिए आपको, 114 न्यूट्रिएंट तो आपको ऐड करना है, आपको हर्बल लाइफ लाइन, कैल्शियम एंड जॉइंट सपोर्ट ऐड करना है, हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमने सभी लोगों के साथ जो एक पॉसिबल हो सकता है वो क्वेश्चंस लिए इमीडिएटली। तो अभी सर का थैंक यू करने के लिए हम इनवाइट करेंगे हमारे ग्रेट अपलाइन, जिनके माध्यम से हमने ये सोसाइटी मिली और जिनके माध्यम से हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है हमेशा सीखने का। तो आप सभी लोग जबरदस्त वार्म वेलकम करें इंटरनेशनल वेलनेस कोच विजय टाक सर का। विजय सर, वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच जनमजा पाराशर सर, आपने जिस तरीके से हम लोगों को आज गाइड किया, हमारे सभी कस्टमर्स को, हमारे कोचेस को, जिस तरीके से आपने गाइड किया, इट्स रियली अमेजिंग। और जिस तरीके से आपने स्पेशली यूरिक एसिड को समझाया, तो काफी सारे लोगों का जो प्रोटीन को लेकर जो क्लियर हुआ और उससे काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, एंड आपको सिर्फ थैंक यू कहकर तो हम अपनी बात को अपने दिल से आपको थैंक यू नहीं कह सकते, लेकिन लेकिन वी हैव, मैं कहूंगा कि सर जिस तरह से आपने हमें गाइड किया है, वी हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू टू से यू, कोई शब्द नहीं है आपको थैंक यू कहने के लिए सर। आपका बड़प्पन है, आप ऐसी बात बोलते हो क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो, इसलिए आप ऐसी बात बोल रहे हो। थैंक यू सो मच सर, एंड चूंकि इट्स अ वर्चुअल ट्रेनिंग, सो थोड़ा वर्चुअल तरीके से हम आपको थैंक यू कहेंगे ऑन दिस कस्टमर सेलिब्रेशन डे। वी आर टू मच ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच जय पाराशर सर। वी वर्क ऑन मार्क्यूस आइडियोलॉजी दैट इज चेंजिंग पीपल्स लाइफ, हम सब मिलकर के मार्क्यूस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं और हमारा सभी का पर्पस इज टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। हम सभी का उद्देश्य इस दुनिया को हेल्थियर बनाना और हैप्पियर बनाना है, एंड वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू मार्क्यूस सर, उन्होंने इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को बनाया, थैंक यू सो मच, उन्होंने इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को बनाया और आज पूरी दुनिया में 95 कंट्रीज में लोग इस न्यूट्रिशन को यूज करके अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर, एंड आप इस कॉल पे मौजूद सभी कोचेस से, सभी कस्टमर से मैं कहना चाहूंगा, बिकम एम्बेसडर एंड क्रिएट एम्बेसडर। इसका मतलब क्या है कि आप हमारे कस्टमर्स हैं और आप इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे आप अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं और आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में, आपके जान पहचान में, आपके सोशल सर्किल में, आपके फ्रेंड सर्किल में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इन अमेजिंग न्यूट्रिशन की जरूरत है। दुनिया के हर इंसान को इस अमेजिंग न्यूट्रिशन की जरूरत है और हमें उन लोगों तक पहुंचने के लिए आपकी जरूरत है। Yes. अगर आप दो लोगों को रिकमेंड करते हैं, इफ यू बिकम, अगर आप दो लोगों को रिकमेंड करते हैं, आपके जो भी कोच हैं उनको आप अपने दो लोगों से मिलवाते हैं, तो यू बिकम एम्बेसडर। जब वो दो लोग आपके से हमारे कस्टमर बनते हैं तो आप एम्बेसडर बनते हैं, उसके कुछ कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, आपके कोच आपको बताएंगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आपको मिलते हैं, आपको आपके कोच आपको बताएंगे। सो बिकम एम्बेसडर एंड ट्राई टू बी अ हेल्दियर पर्सन और अपनी फैमिली के लिए एक असेट बने, नॉलेज लें और अपनी पूरी फैमिली को हेल्दी करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अगेन थैंक यू सो मच सर। यस, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, जो आपने एम्बेसडर इवनिंग के बारे में बताया, देखिए अपनी हेल्थ पे जो पैसा लगता है, हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने पर्सनली सीखी हैं, पैसा, टाइम और पेशेंस, ये तीनों लगता है। और मैं जब इस कम्युनिटी में आया था तो मैंने सबसे पहले विजय सर एक ही काम किया था, क्योंकि मुझे मालूम था पैसा लगने वाला है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें पीछे नहीं जाना है। तो मैंने सबसे पहले 4 लोगों की मदद करी थी पहले ही महीने में, अम्बेसडर क्वालिफाई हुआ, अम्बेसडर क्वालिफाई होने के बाद बेनिफिट सीखे और आज मैं अपने हेल्थ के ऊपर अपनी कम्युनिटी के साथ फ्री यूज कर रहा हूँ। यानी कि मैंने अपने पैसे को स्पॉन्सर किया, जितना पैसा लगता है उसको स्पॉन्सर किया, कम किया और आज के समय में फ्री यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज कम से कम 50 लोगों की मदद कर रहा हूँ। That's really great, sir. यहाँ पे मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जैसे आपने हमारे गेस्ट स्पीकर को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने सबसे पहली बार इस न्यूट्रिशन को यूज किया और 4 लोगों को हेल्प किया और ही क्वालिफाइड फॉर एम्बेसडर। सो आप लोग भी ऐसे एम्बेसडर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स एम्बेसडर बनने पर आपको मिल सकते हैं, उसको उसके बारे में आपको जानकारी आपके पर्सनल वेलनेस कोच देंगे और उनके माध्यम से हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पर हम स्पेसिफिक उस बारे में बात करते हैं।
तो आप अपने वेलनेस कोच से संपर्क करें और कम से कम दो लोगों का रेफरेंस दें, दो कस्टमर और बनाने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू सो मच एंड बैक टू मास्टर सेरेमनी भवनलाल चौधरी सर। यस वेरी गुड फैंटास्टिक सुपर सेशन, बहुत ही सुपर और एनर्जेटिक सेशन। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी जिनको मैं अप्लाई करूंगा। तो इस तरीके का ये सेशन हर संडे के दिन हमारे सीनियर कोचेज के माध्यम से हमें मिलता है। हनुमान छणंग साहब यहाँ पे हमारे साथ में इस कॉल में हमें गाइड करते हैं। विजय टाक साहब को आपने सुना, परमाराम डूडी सर, इंटरनेशनल वेलनेस कोच भेरूलाल पटवा सर, और भी बहुत सारे सीनियर कोचेज साथी रहते हैं जिनके एक ज्वाइंट सपोर्ट से हम पूरे देश को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए सेहत के प्रति जागरूकता प्रमोट कर रहे हैं। तो आपके भी कोई जिनका आप थोड़ा सा ये जागरूकता देना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, अगले संडे के दिन 9:30 बजे आप उनको इस सेशन के बारे में प्रमोट कर सकते हैं। जूम की लिमिट 1000 लोगों की होती है, जूम में मजा आता है, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं। यदि ऐसा नहीं हो पाता है किसी कारण से तो टेम्परेरी टाइम के लिए जब तक ये सेशन चलता है उतनी देर के लिए यूट्यूब के ऊपर लाइव रहता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक सेहत का, खुशियों का ये मैसेज फैलाने में प्रमोट करेंगे और किसी को रिजल्ट आएगा तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, जैसे हमें जो सुकून मिलता है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आपने अपना अमूल्य समय दिया इस देश को, समाज को बेहतर बनाने में, अपने आप को सेहतमंद बना करके भी बड़ा योगदान दिया जा सकता है। थैंक यू, स्पेशल थैंक यू जन्म जय पारासर सर, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल समय निकाला और हमें पूरी जो एक इस सेशन के दौरान, इस टाइमिंग के दौरान जो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है वो इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सर, हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय योर डे, बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू सून। हमारा इसके अलग अलग प्रोडक्टों का अलग से ट्रेनिंग होता है, आप वो भी चीजें कोचेज के साथ से लिंक लेकर के सीख सकते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग प्रोडक्ट के ट्रेनिंग होते हैं, एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा वो ट्रेनिंग होते हैं, जितना आपके पास टाइम, परिस्थिति, मूड अलाउ करता है उतनी चीजें सीख सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सर, वेलकम। Fantastic. Thank you, everybody. Have a wonderful